ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। ओके, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड द फोर्थ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट वाज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। फ्रॉम दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पार्ट हैज बीन डन, है ना, अच्छे से ओवर हो गया है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बिकॉज एक्सपोनेंशियल आता है तो ही लॉगरिथमिक आएगा। ठीक है, लॉगरिथम सब तभी समझ में आएगा जब एक्सपोनेंशियल आता है, राइट, क्योंकि उसी का इन्वर्स है। थोड़ा बहुत मैंने कल ऊपर ऊपर से बताया था कि उसी का इन्वर्स, उसी का उल्टा फंक्शन है। अब पहले तो अपन ऊपर ऊपर से लॉगरिथम को समझते हैं, बिल्कुल, है ना, ऊपर ऊपर से मतलब इजी लैंग्वेज में, एज ए फंक्शन नहीं समझते उसको, एज ए इजी लैंग्वेज में व्हाट इज लॉग, सवाल है व्हाट इज लॉग, लॉग क्या है, सरल भाषा में बताते हैं कि वो लॉग क्या है। वो लॉग सरल भाषा में जब समझ में आ जाएगा फिर उसको एज ए फंक्शन समझेंगे, उसको एज ए फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन की परिभाषा में वो लॉग कैसे फिट होता है और कैसे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी वेरी इजी डेफिनेशन या वेरी वेरी इजी मीनिंग ऑफ लॉग, व्हाट इज लॉग, या और लॉगरिथम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सो देखो बच्चों, यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा 2 का क्यूब होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, राइट, 2 की पावर 4 बोलो, अच्छा जी 3 का क्यूब बोलो, ओके 4 का की पावर 4 बोलो, 256, ओके टेल मी 10 का स्क्वायर बोलो, 100, ओके अब सुनना ध्यान से जरा, अगर 2 का क्यूब 8 है, जो कि है ना, तो लोग 8 टू द बेस 2 है, 3 है, लोग 8 टू द बेस 2, 3 है, यहां से यहां कैसे आए, ये पकड़ लो बस, लॉग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3 नंबर से मेरे पास 238, इधर भी 3 नंबर से 238, कौन सा नंबर कहां जाके फिट हुआ वो चेक करो, ये 2 कल भी बेस था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये 2 आज भी बेस है पर लॉगरिथमिक फंक्शन में। कल तक इनपुट मुझे पावर मिलती थी, इनपुट में कौन मिलता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट क्या डालते हैं, पावर, बेस फिट, उसकी एक सेटिंग है, उस सेटिंग में अपन बेस फिक्स कर देते हैं कि भाई बेस 2 है, बेस फिक्स कर दिया, अब अलग अलग पावर्स दिए जा रहे हैं और अलग अलग वैल्यूज मिलते जा रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। दोनों को क्या बोला था आपने, ऐसे ही बोला था ना, ऐसा नहीं बोला था क्लास में, ओके सो 2 को बेस फिट कर दिया, लेट्स से ये मशीन है, इसमें मैंने बेस फिट कर दिया 2, अब मैं अलग अलग इनपुट्स दे रहा हूं और अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में भी मैं बेस फिट कर दूंगा 2, अब इनपुट्स आएंगे जो वैल्यूज आ रही हैं, ये 4, 8, 16, 27, ये तो इनपुट्स मिलेंगी और आउटपुट्स मिलेंगे मुझे ये पावर्स, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा फंक्शन है जो जो इंटरेस्टेड होता है आउटपुट को पावर के रूप में देने, मतलब पावर्स को आउटपुट के रूप में देने में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने कहा 2 की कौन सी पावर 8 होती है, तो आप कहोगे सरल सरल भाषा में पूछ लेना कि लोग 8 क्या होता है, समझ आया। मैंने कहा 10 की कौन सी पावर 100 होती है, तो आप क्या कहोगे सरल भाषा में पूछ ले लोग 100 टू द बेस 10 क्या होता है। मैं इस भाषा को एज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। सरल भाषा क्या है, 3 की कौन सी पावर 27 होती है, ये तो हो गई इजी देसी लैंग्वेज, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, व्हाट इज लॉग 27 टू द बेस 3, बोलो साक्षी समझ आया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का उल्टा कैसे, ये समझ में आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जो इनपुट मिल रहा है वो इधर आउटपुट है और एक्सपोनेंशियल में जो आउटपुट मिल रहा है वो इधर इनपुट है या नहीं है, बेस तो दोनों में फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट्स आउटपुट्स, इनपुट आउटपुट्स उल्टे हो रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके बताओ, 3 का क्यूब इक्वल टू 27, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करके बताओ क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे अपन, बोलो, लॉग टू द बेस 3 इक्वल टू 2 का है 3 तो है इक्वल टू 3, चलो साक्षी आप ट्राई करो, इसको इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2। ठीक है, हम ऐसे ऐसे चेक कर लिया करो, देखो ऐसे इसकी पावर ये इक्वल टू ये होगा, इसकी पावर ये इक्वल टू ये होगा, इसकी पावर ये इक्वल टू ये होगा, हमेशा ऐसे चेक कर लेगा, इसकी पावर जो बेस है उसकी पावर वो है जो आउटपुट में बैठा है और इक्वल टू आंसर इनपुट मिलेगा,
इसमें ये इनपुट है, ये जो नंबर डाल रहे हैं ना, ये इसमें डोमेन है, ये अपन एक्स की वैल्यूज हैं, और आउटपुट्स क्या मिल रहा है हमको, ये, और ये नीचे जो नंबर्स हैं ये फिक्स हैं, जो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, बेस हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, जिसको अपन ने बी कहा था कल, अभी भी बी कहेंगे। ओके समझ आया? ठीक है, अब एक ही बेस को फिक्स करके एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये तो क्या हमने बार बार बेस बदल दिया, कभी 2 3 4, अब एक ही बेस को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 को फिक्स कर देते हैं, बेस 10। सो चेक करते हैं 10 की अलग अलग पावर्स क्या मिलती है। जैसे मैंने 10 को फिक्स कर दिया बेस, 10 को फिक्स कर दिया बेस, 10 को फिक्स कर दिया बेस, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। अब पावर्स अलग अलग दिए जाओ एज इनपुट्स। तो जैसे मैंने पावर 1 दी तो आंसर क्या मिला 10, जैसे मैंने पावर 2 दी तो आंसर क्या मिला 100, जैसे मैंने पावर 3 दी तो आंसर क्या मिला 1000, जैसे मैंने पावर 4 दी तो आंसर क्या मिला बोलो 10000, जैसे मैंने पावर 5 दी तो आंसर क्या मिला 1 लाख। ओके ठीक है, अब इन सबको लॉग में कन्वर्ट करो। तो बेस तो 10 फिक्स करना है आपको, बोलो लॉग 10, लॉग टू द बेस 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 10। थोड़ा सा नीचे की साइड लिखना ही है ना, जो बेस है हल्का सा लॉक के नीचे की साइड लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट्स में ये वैल्यूज आएंगी और आउटपुट्स में ये वैल्यूज आएंगी, समझ आया? ओके चलो, तो क्या लिखूंगा मैं, लॉग लॉग 1, इसको लॉग 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे लॉग 1, सॉरी लॉग 10। आउटपुट तो ये है ना, ये अब इनपुट्स बनेंगे, तो क्या पढ़ूंगा मैं इसको, लॉग 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। इसको बढ़ो, इसको पढ़ो क्या पढ़ेंगे, लॉग 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। लॉग 10000 टू द बेस 10 इक्वल टू 4। लॉग 1 लाख टू द बेस 10 इक्वल टू, समझ आया क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बेस हमने फिक्स कर दिया है कि ग्रेटर देन 1 है, किया था ना कल, बोलो बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 फिक्स किया था हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो अब जब ये चीज इधर कन्वर्ट हो रही है, तो इधर भी ये बेस ग्रेटर देन 1 आएगा ही आएगा हमेशा, बेस ग्रेटर देन 1 इधर भी आएगा ही आएगा, 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 5 6 यानी रियल नंबर, बट 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 से बड़ा कोई बेस है तो उसकी जो मर्जी आए पावर लगा दूं, आंसर पॉजिटिव आता है? कल डिस्कस किया था ना अपन ने, जैसे मैंने 10 का बेस 10 की पावर में कुछ भी लगा दूं, चाहे नेगेटिव नंबर ही पावर लगा दूं, तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो जो कल आउटपुट्स थे आज इनपुट्स हैं, यानी लॉग जिस नंबर पे लगता है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। कल क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। तो आज क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट है, मतलब लॉग जिस फंक्शन पे लगाया जाता है, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर कल को मैं ऐसे लिख दूं लॉग ऑफ -2, बताओ तो मैं लिख ही गलत रहा हूं, ये एक्सप्रेशन ही गलत है, लॉग नेगेटिव नंबर पे लग ही नहीं सकता। लॉग किस पर लग सकता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो पे, 0.1 पे भी लग सकता है, बट जीरो पे भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो कोई पूछे तो बोला तेरे सवाल ही गलत है, दिस इज नॉट डिफाइंड, लॉग फंक्शन का डोमेन ही नहीं है ये। आप डोमेन, जो डोमेन होगा उस पर ही तो फंक्शन लगाएंगे ना, जैसे साइन इनवर्स का डोमेन है -1 2 1, तो मैं साइन इनवर्स -5 थोड़ा पूछ सकता हूँ आपसे, इसका डोमेन ही नहीं है वो, समझे? तो यहाँ पे लॉग फंक्शन का डोमेन ही नहीं है -2, तो ये एक्सप्रेशन ही गलत होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आया एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का डिफरेंस, ठीक है। अब सुनो, कल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया था, बी की पावर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू बी की पावर एक्स, ऐसे डिफाइन किया था। यहाँ पे बी तो फिक्स था बेस, और ये एक्स क्या था इनपुट, और वाई क्या था आउटपुट। अब इस एक्सप्रेशन से आप लॉग कन्वर्ट करना, जरा इस एक्सप्रेशन से लॉग कन्वर्ट करना, लॉग फंक्शन कन्वर्ट करना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लॉग बी, बी तो बेस है क्या, लॉग वाई जो कल आउटपुट था मिलेगा इनपुट टू द बेस बी इक्वल्स टू एक्स, ऐसे लिखेंगे। ओके अभी कन्वर्ट किया, जैसे ऐसे ही कन्वर्ट किया ना हमने, बेस कल भी बी था, बेस आज भी बी है, कल जो इनपुट्स मिल रहे थे वो पावर्स थे, जो आउटपुट्स मिल रहे थे वो वाई, अपन एफ ऑफ एक्स को वाई मान ही लेते हैं, अपन हमेशा फंक्शन की वैल्यू को वाई मानते हैं ना। तो आज क्या हुआ, जो आउटपुट्स थे वो तो गए इनपुट्स, और जो इनपुट्स थे वो हो गए आउटपुट्स, और बेस कल भी बी था, बेस आज भी बी है, यहां तक क्लियर है? अब सुनो,
ये तो मैंने इस फंक्शन से इस फंक्शन को कन्वर्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको भूल जाऊं, केवल लॉग फंक्शन की बात करूं, तो किसी भी फंक्शन का इनपुट वाई नहीं होता, एक्स इनपुट तो एक्स होता है, आउटपुट होता है ना वाई। तो जैसे मैंने कहा साइन फंक्शन डिफाइन करो, तो आप क्या क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखोगे या एक्स इक्वल टू साइन वाई लिखोगे? लिखने में वो लिख सकते हो, लेकिन जनरल डेफिनेशन में इनपुट में एक्स मिलता है, आउटपुट में वाई मिलता है। तो ये तो इधर से कन्वर्ट होके आया, इसलिए इनपुट में वाई और आउटपुट में एक्स दिखाई दे रहा है। बाकी अगर अपन जनरली कोई लॉग फंक्शन पूछेगा, तो हम वाई इधर और एक्स इधर नहीं लिखेंगे, हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, एक्स इधर और वाई इधर लिखेंगे, वो उधर से कन्वर्ट होके आया। अच्छा आप ऐसे समझो, साइन फंक्शन बोलो, चलो साइन फंक्शन डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे, वाई इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे डिफाइन करो। मैंने कहा साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करो, तो अगर आप इधर से कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप वाई इक्वल टू साइन एक्स को उल्टा कर रहे हो, इनवर्स कर रहे हो, तो क्या लिखोगे बताओ, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई लिखोगे? बोलो, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई लिखोगे? बट इन जनरल साइन इनवर्स फंक्शन ऐसे तो ना डिफाइन होता है, इन जनरल तो वो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ही डिफाइन होता है ना, बोलो, इन जनरल तो वो ऐसे डिफाइन होता है ना। तो अगर इन जनरल आपसे कोई पूछे, तो आप लॉग एक्स बोलेंगे, लॉग वाई कभी नहीं बोलेंगे। तो कोई भी फंक्शन का इनपुट एक्स होता है, वाई कभी भी नहीं होता, वाई हमेशा क्या माना जाता है, आउटपुट माना जाता है। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वहां से कन्वर्ट करवा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली लॉग एक्स नहीं होगा, फिर लॉग वाई होगा, क्योंकि आउटपुट को इनपुट, इनपुट को आउटपुट तो करना ही है। ये बात जो मैंने कही वो समझ में आ गई? क्योंकि देखो जब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं लॉग वाई, और फिर अभी जब कन्वर्ट करने के बाद केवल लॉग फंक्शन की बात करें, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए ना। लॉग एक्स कब लिखेंगे, जब इन जनरल फंक्शन लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग वाई कब लिखेंगे, जब अपन एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक को कन्वर्ट करके लॉगरिथमिक फंक्शन बना रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार नोट सेक्शन पे आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के नोट सेक्शन पे हैं। लेट्स सी क्या कहता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, रीड आउट करते हैं। इफ बी टू द पावर एक्स ए है, तो लॉग ए टू द बेस बी एक्स होगा। सही लिखा क्या मैंने? इधर से इधर कन्वर्जन देखो एक बार, बी बेस, बी बेस, कल इनपुट क्या था, एक्स, आज आउटपुट क्या है, एक्स। जो कल इनपुट था वो आज आउटपुट है, और जो कल आउटपुट था वो आज इनपुट है। कहाँ गए थे दोनों? हाँ? तो वॉक करने के लिए टाइम को बतानी था, बता के नहीं गई ये टाइम, तो फिर कैसे बतानी था? 7:18 हो रही है। जो कल इनपुट था वो आज आउटपुट है, जो कल आउटपुट था वो आज इनपुट है, ठीक है। बेस कल भी बी था, बेस ये कन्वर्जन समझ में आया? ओके अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, वो चेक करते हैं। तो देखो कल भी जो बेस बी था वो ग्रेटर देन वन था, आज भी जो बेस बी है वो ग्रेटर देन वन है। बेस में कोई चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन वन, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन वन। कल जो इनपुट था वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, मतलब पावर आप कुछ भी लगा सकते थे, पर जो आउटपुट आ रहा था वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ए आ रहा था। आज उल्टा करो, आज क्या है, जो इनपुट, इसमें इनपुट ए है, वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और आउटपुट कोई भी रियल नंबर है, यानी इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, इसका आउटपुट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी आ सकता है, बट इसका इनपुट जो है, जिस पर हम लॉग लगा रहे हैं, वो हर हाल में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा यहां तक? देन लॉगरिथम ऑफ ए, अगर बी टू द पावर एक्स इक्वल टू ए डिफाइन है, तो लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी क्या होगा, एक्स होगा। और इसको डिनोट कैसे कराएंगे, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एक्स, और ये वैल्यूज इन्हीं वैल्यूज का एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यानी कि कुछ चेंज नहीं हुआ, देखो बी की वैल्यू कल भी ग्रेटर देन वन थी, आज भी ग्रेटर देन वन है। ए की वैल्यू क्या थी, ए कल एक पॉजिटिव रियल नंबर था, ए आज भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स क्या था, कल भी कोई भी रियल नंबर, एक्स क्या है, आज भी कोई भी रियल नंबर, फिर चेंज क्या हुआ, चेंज बस ये हुआ कि कल जो ये ए था वो आउटपुट में रखा हुआ है, और आज वाला जो ए है वो इनपुट में रखा हुआ
है वो ही पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन वो कल आउटपुट में था ही इनपुट में, मतलब डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन का कन्वर्जन हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं। ओके समझ आया। अब इन सिंपल टर्म्स क्या बात करें, आता है आपको लॉगरिथम? आता है लॉगरिथम क्या होता है? तो फिर आते ही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए, पहले समझ तो लो चीज को। वो तो 15 मिनट से समझ रहे हैं आप, पहला फोकस करो कि टॉपिक क्या चल रहा है। इन सिंपल टर्म्स हम बात करें, वी कैन से दैट लॉगरिथमिक फंक्शंस आर द इनवर्सेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस विच गिव एक्सपोनेंट्स और पावर्स एज आउटपुट। लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऐसे इनवर्स फंक्शंस हैं जो आउटपुट के रूप में पावर्स देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनपुट्स के रूप में पावर लेते थे और वैल्यू एक आउटपुट में देते थे। अब वो वैल्यू जो कल आउटपुट थी वो आज इनपुट है, और जो कल इनपुट में पावर थी वो आज आउटपुट है। समझ आया? बेस कल भी ग्रेटर देन वन था, बेस आज भी ग्रेटर देन वन है। बोलो कुछ पल्ले पड़ा? मुझे बताओ, अगर टेन का क्यूब 100,000 लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में, तो उसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोलो रौनित। लॉग जो कल था आउटपुट था वो आज इनपुट, बेस कल भी 10 था, बेस आज भी 10, और कल जो इनपुट पावर थी वो आज आउटपुट में मिलेगी। यानी ये इनपुट बिकम्स आउटपुट, आउटपुट बिकम्स इनपुट, बेस कल भी 10, बेस आज भी 10। तो 10 क्यूब अगर 1000 है तो लॉग 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3 माना जाएगा। ऐसे मानो कि लॉग में लिखने के बाद इसकी पावर ये बराबर ये होती है, इसकी पावर जो आउटपुट में रखी हुई है इक्वल टू इनपुट होती है। ठीक है, कई बार जल्दीबाजी में हम इसको 10 की पावर 1000 पढ़ देते हैं, बट इट इज नॉट 10 की पावर 1000, इसका डिफरेंट मीनिंग है। ये क्या है? लॉग 1000 टू द बेस 10 है। समझ में आ गई? ओके नाउ कम टू द एनसीईआरटी डेफिनेशन, लॉगरिथम एज ए फंक्शन। अभी तक अपन लॉगरिथम को सिंपल टर्म्स में सीखा, अब एज ए फंक्शन सीखते हैं। तो कल याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था एनी रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन था, आज उल्टा हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन एनी पॉजिटिव रियल नंबर टू एनी रियल नंबर डिफाइन, यानी एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव रियल नंबर, यानी लॉग के आगे जो एक्स लग रहा है वो हर हाल में पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। आप लॉग 0 डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप लॉग -2 डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा मुझे इनपुट के रूप में। हाँ आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट नेगेटिव भी आ सकता है, आउटपुट 0 भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आउटपुट 0 है नेगेटिव कैसे आ सकता है? सपोज करो मैंने आपसे पूछा लॉग 2, मैंने आपसे पूछा लॉग 0.5 टू द बेस 2 क्या होगा? तो 2 की कौन, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं पूछना ही चाह रहा हूं 2 की कौन सी पावर हाफ होती है? तो 2 की -1 पावर हाफ होती है। 2 की -1 पावर लगाओ 1/2 इक्वल टू हाफ। सवाल समझ में मेरा? मैंने कहा लॉग 0.5 टू द बेस 2 बताओ, तो मैं आपसे जानना क्या चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 2 की ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि आंसर में 0.5 मिले। अच्छा अब मुझे बताओ लॉग 0.25 टू द बेस 2, -2, 2 की कौन सी पावर लगाऊं कि 1/4, 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 2 की कौन सी पावर लगाएंगे 0.25 मिले? बोलो -2। आगे बढ़ो तो लॉग 0.125 टू द बेस 2 अब हो जाएगा -3, क्योंकि 2 की पावर -3 लगाएंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 0.125। तो देखो जो आंसर्स आ रहे हैं वो नेगेटिव भी आ रहे हैं, आंसर 0 भी आ सकता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ लॉग 1 टू द बेस 2 क्या होगा? 0, 2 की कौन सी पावर लगाएंगे आंसर 1 आ जाए? 0। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉग 1 हमेशा 0 होता है, टेक एनी बेस यू लाइक, लॉग 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर 2 लगाऊंगा तो भी 2 की पावर 0 1, अगर यहाँ 3 लगाऊंगा तो 3 की पावर 0 भी 1, अगर 4 लगाऊंगा तो 4 की पावर 0 भी 1। सो लॉग 1 0, टेक एनी बेस। किसने कहा? जैसे हम आपसे कोई पूछे बताओ लॉग 3 क्या होता है, तो आप कहोगे बेस तो बता, बेस तो बता भाई। लेकिन अगर मैं पूछूं लॉग 1 क्या होता है तो आप नहीं पूछोगे बेस तो बता, बेस कुछ भी हो आंसर तो 0 ही रहेगा। डन क्लियर? ओके सो क्या होते हम कि इसमें आंसर कोई भी रियल नंबर आ रहा है, नेगेटिव भी आया, अभी 0 भी आया और पॉजिटिव आ ही रहा था, लेकिन इनपुट हमेशा हम एक पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। ठीक है, जो बेस होगा वो कल भी ग्रेटर देन 1 था, आज भी ग्रेटर देन 1 है। ओके और ये डिफाइन कैसे होता है? लॉग एक्स इक्वल टू वाई, जहां पे वाई पावर है ना और एक्स वैल्यू है। ठीक है, इफ बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स, अगर ये फंक्शन
तभी सही है जब ये सही है। अगर ये सही है तो इसी से ये रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है ना। देखो बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स हो रहा है ना वहां पे। ओके चले हम आगे। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। सो कम टू द ग्राफ सेक्शन, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाओ। तो अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। सो टू की पावर्स ले लेते हैं अपन, है ना, शुरू करें। ओके टेल मी, अगर मैं बेस को टू फिक्स कर दूं, अगर मैं बेस को टू फिक्स कर दूं तो इनपुट में क्या चाहिए होता है मुझे, इनपुट में क्या चाहिए होता है लॉग फंक्शन के लिए, किस टाइप की, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में वन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बताओ, सी, ठीक है। अब कुछ और पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं टू। तो टू की कौन सी पावर टू होती है, टू की वन पावर टू होती है। चलो नेक्स्ट, तो लॉग अब मैं ले लेता हूं फोर टू द बेस टू। तो टू की कौन सी पावर फोर होती है, टू। ओके अब आओ मैं ले लेता हूं लॉग एट टू द बेस टू। टू की कौन सी पावर एट होती है, थ्री। तो आप समझ रहे हो ये वन टू फोर एट, ये टू की पावर चल रही है ना। अब टू की अगली पावर 16 होती है, तो लॉग 16 टू द बेस टू पूछूं, तो मैं पूछूं टू की कौन सी पावर 16 होती है, आपने कहा फोर। फिर एक लास्ट वाला लेते हैं, लेट से मैंने कहा लॉग 32 टू द बेस टू बताओ, तो टू की कौन सी पावर 32 होती है, पांच। तो अब जो ये बेस तो मैंने फिक्स कर दिया ना टू, ये बेस कई एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे कभी नहीं आएगा, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स आते हैं। सो इनपुट्स तो आएंगे 1 2 4 8 16 32, और आउटपुट्स रहेंगे 0 1 2 3 4 5, यानी ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये वाई की वैल्यूज हैं। इसको एक्स एक्सेस पे लेना, इसको वाई एक्सेस पे लेना, बेस को कहीं नहीं लेना। बेस को तो एक कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो तो एक सेटिंग है, वो तो उस मशीन की एक सेटिंग है जो फिक्स कर देते हैं अपन की बेस टू। तो टू फिक्स हो जाए तो अब इनपुट आउटपुट चेक करते हैं, पावर वैल्यू पावर वैल्यू पावर वैल्यू चेक करते हैं। चलिए तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 1,0। 1,0 कहाँ मिलेगा बताओ, यहाँ बोलो। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, 2,1, ठीक है। 2,1 कहाँ मिलेगा बोलो, यहाँ। आगे बोलो 4,2, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ। देन 8,3 है, वो 8,3 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। आगे बढ़ो 16,4 कहाँ मिलेगा, 16,4 यहाँ, और आगे फिर मेरी रेंज से बाहर चला गया। सो कनेक्ट करो उसको और चेक करो कि आपका ग्राफ कैसा बना। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है लॉग फंक्शन का। इस ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करूंगा मैं y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, क्योंकि बेस 2 फिक्स किया है आपने, x एक्सिस पे आप अलग अलग वैल्यूज ले रहे हो, ये 1 2 4 8 16, और y की वैल्यू जो आ रही है वो पावर आ रही है 0 1 2 3। तो y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2 का ग्राफ बना दिया मैंने आपके सामने। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सर इससे पहले क्या होगा, इससे पहले भी सुन लो, सोचो जरा क्या होगा। मतलब आपने वन से स्टार्ट किया ना, मैंने क्या कहा था, इनपुट क्या चाहिए आपको, इनपुट क्या चाहिए बोलो साक्षी, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर को वन से ही थोड़ा चालू होता है, उससे पहले के भी पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो वन से पहले भी बहुत सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं। सो अभी मैंने एक पर करके भी तो बताया था आपको, तो बताओ लॉग 0.5 ले लेना, अभी करके भी बताया था मैंने आपको लॉग 0.5 टू द बेस 2 क्या होगा, अभी अभी करके बताया था ना, 2 की कौन सी पावर हाफ होती है, -1। यानी 0.5 पे -1 मिलेगा, ग्राफ में चेक चेक करो काम, ये वाला पॉइंट है 0.5 पे -1, यानी 0.5, -1। तो ये 0.5, -1 यहाँ पे आएगा, के पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.5, -1, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, इससे पहले इससे भी और छोटा नंबर क्या लिया था मैंने, लॉग 0.25 है ना टू द बेस 2। तो 2 की कौन सी पावर 0.25 है, -2। 2 की पावर -2 0.25 होगी, तो यानी कि 0.25 कहाँ होगा, 0.25 होगा बिल्कुल इससे भी आधा कर दूं मैं यहाँ पे, उसकी सीध में आंसर क्या आ रहा है, -2, यानी कि ये पॉइंट यहाँ होगा। कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है, ओके कनेक्ट कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हुआ। अच्छा एक और लिया था फिर हमने, इससे भी छोटा, लॉग 0.125 लिया था टू द बेस 2। तो 2 की कौन सी पावर, -3। अब ये 0.125 इस ग्राफ में प्रैक्टिकली पुट करने योग्य नहीं है, 0.12 है, बहुत छोटा पॉइंट हो गया, 0 के बहुत नजदीक हो गया, वहां पे आंसर क्या आ रहा है, -3। और -3 ये इधर 0 पे नहीं है, ये इस वाई एक्सिस से थोड़ा सा इधर है, बिल्कुल वाई एक्सिस पे टच नहीं हो सकता ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे टच हो गया इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 थोड़ी ना, एक्स की वैल्यू तो 0.125 है, तो 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, समझ गए।
कोई ग्राफ अगर वाई एक्सिस को छू लेता है तो उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो है या नहीं है, है ना? तो अगर मैं इसको टच कर दूं तो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो लॉग जीरो है वो, लॉग जीरो तो वैसे भी डिफाइंड नहीं है, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए ना, तो ये आगे होके कनेक्ट होके ऐसे कनेक्ट होगा। तो आप क्या समझे इससे, बोलो सौम्या, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या वाई वाई एक्सिस पे टच नहीं होगा, लॉग फंक्शन का ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस पे टच नहीं होगा अगर आप एक्स की वैल्यूज छोटी लेते जाओ, ये छोटी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी। तो अगर आप एक्स की छोटी 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 वैल्यूज करते जाओ तो वाई की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू क्या निकली, -1। ये वाई की वैल्यू तो है आउटपुट, -1 -2 -3, तो ये वाई की वैल्यू गिरती जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज होती जाएगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी। ये जीरो की तरफ ही तो बढ़ रही है, पहले 1 थी, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.125 हो गई। इसके आगे मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता जूम करके, और भी हम जीरो की तरफ टेंड कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करेगी, वैसे वैसे वाई की वैल्यू टेंडिंग किस ओर करेगी, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज। भैया -1 हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई, और ज्यादा नेगेटिव हो गई, और ज्यादा नेगेटिव हो, तो जीरो के जितना हम, मतलब जीरो के टेंडिंग टुवर्ड जीरो का मतलब क्या होता है, करीब करीब जीरो, तो एक्स की वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाएगी, तो उस जगह जो पावर्स आएंगी -1 -2 -3, ये लार्ज नेगेटिव आंसर्स मिलेंगे। समझ गए क्या, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ओके, अब अभी हमने क्या सीखा कि log 1 तो हमेशा जीरो होता है, क्या सीखा, log 1 तो हमेशा जीरो होता है, टेक एनी बेस यू लाइक। तो 2 की पावर 1 भी जीरो, 3 की पावर 1 भी जीरो, सॉरी 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1, 4 की पावर 0 भी 1, यानी 1, 0 तो हमेशा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे से आप बेस को 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी फिक्स करो, 1, 0 से तो पास होगा ही होगा उसका ग्राफ, तो 1, 0 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। कल क्या सीखा था, सही बोल रहा हूँ, 0, 1 से पास होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कहाँ से पास होता है, 0, 1 से पास होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कहाँ से पास होता है, 1, 0, कुछ भी हो जाए उसका ग्राफ, चाहे से उसमें भी बेस कुछ भी रख दो, उसका ग्राफ हमेशा किससे पास होता है, 0, 1, इसमें भी बेस कुछ भी रख दो, उसका ग्राफ हमेशा किससे पास होता है, 1, 0। अब आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर हम वाई इक्वल टू एक्स को मिरर मान ले, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो वाई इक्वल टू एक्स को अगर अपन मिरर मान ले, तो ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज है या नहीं है, इधर से देखोगे तो वो उसकी परछाई लगेगी, उधर से देखोगे तो ये इसकी परछाई लगेगी, बोलो लगेगी नहीं लगेगी, समझ गए? सो क्यों लग रही है, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। अच्छा, इसकी क्या, किसी का भी इनवर्स फंक्शन, अगर आप साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन एक ही शीट पे बनाओ तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगेंगे, अगर आप कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन एक ही शीट पे बनाओ तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, अगर आप वाई इक्वल टू 2x और वाई इक्वल टू एक्स बाई 2, ये दोनों एक ही शीट पे बनाओ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है, बताओ, किसी नंबर का दुगना करना, किसी नंबर का आधा करना, एक दूसरे का उल्टा फंक्शन है या नहीं है, अगर आप इन दोनों को एक ही शीट पे बनाओ तो ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनेंगे, कोई भी दो इनवर्स फंक्शंस अगर आप सेम शीट पे ड्रॉ करते हो तो दे विल सीम लाइक द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो उसी लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब आपकी बुक में एक अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है, उन्होंने क्या कर रखा है, 3 लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ दिए हुए हैं, एक बार उन्होंने बेस रखा है 2, 2 बेस पे तो अभी हमने भी चेक किया था, ये 2 बेस पे हमने भी चेक किया था, ऐसा बना था, ठीक है, फिर एक बार उन्होंने बेस रखा है ई, ई की वैल्यू क्या बताई थी कल हमने, क्या 2.718, तो 2 से बड़ी है वो, 2 से बड़ी है ना, और फिर ई से बड़ी है 10, तो ये 3 का कंपैरिजन करो और मुझे बताओ तीनों में से ज्यादा स्टीप ग्राफ कौन सा है जिसकी पावर छोटी है, तो एक्सपोनेंशियल हर चीज उल्टी चलनी चलनी है ना, एक्सपोनेंशियल में क्या था, जैसे जिसकी पावर है, जिसका बेस है ना, एक्सपोनेंशियल में क्या था, जिसका बेस बढ़ता जाता है वो ज्यादा स्टीप होता जाता है, लॉगरिथम में क्या, जिसका बेस घटता जाता है वो ज्यादा स्टीप होता जाता है, ओके, जस्ट उससे उल्टा, समझ गए क्या, 2 से बड़ा है ये ई और ई से बड़ा है 10, डन, क्लियर? बोलो, कल हमने क्या सीखा था कि a² एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन इसके दो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से सीखे थे, e² और 10^x, यस और नो, इसको क्या कहते थे,
और उसको क्या कहते थे, दो स्पेशल टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखे थे, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेम टू सेम डेफिनेशन, आप कॉपी कर लो लॉग में, कर दें, लॉग एक्स टू द बेस ई लगा दूं और लॉग एक्स टू द बेस 10 लगा दूं, तो ये दोनों स्पेशल टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए। वैसे लॉग फंक्शन कैसे डिफाइंड है, लॉग एक्स टू द बेस ए, जैसे यहाँ पे ए से डिफाइन है, यहाँ पे भी ए से डिफाइन है, लेकिन इसमें जैसे स्पेशल करने के लिए ए बेस को ई और 10 बना दिया, इसमें भी इसको स्पेशल करने के लिए ए बेस को ई और 10 बना दिया, तो ये तो कहलाता है, बोलो, जैसे वहां पे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा, और ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। यहां तक कोई डाउट, बोलो। नाउ एक चीज सुनो, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में तो बेस बोलना करीब करीब कंपलसरी है, कंपलसरी है ना, हम बोलोगे ना 3 to the power x या 10 to the power x या 20 to the power x, बिना बेस बोले आप बोल सकते हो, उस फंक्शन को बोल ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बेस अगर आप नहीं भी बोलो तो काम चल जाएगा, आप लॉग एक्स बोल के भी छोड़ सकते हो, आप लॉग एक्स टू द बेस बताओ मत वो बोल के भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप नहीं बताते हो तो वो नेचुरल लॉग कहलाता है, ये चीज याद रखना, यानी अगर लॉग का बेस नहीं बताया तो वो बाय डिफॉल्ट ई माना जाएगा, समझे क्या मैंने कहा, लॉग 5, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं लॉग 5 to the base ई की बात कर रहा हूँ, समझे, टू द बेस ई यानी ई जो भी नंबर है 2.718, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, नेचुरल लॉग को आप LNX भी बोलते हैं, पढ़ा है आपने, LNX, L फॉर लॉग, N फॉर नेचुरल और X इज क्योंकि X पे लग रहा है, LNX, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में ज्यादा यूज होने वाला नोटेशन है, हमारे NCERT में इसका कहीं भी नामो निशान नहीं है, जो कंपटीशन फाइट करेंगे वो लॉग, ये LNX क्या है एक्चुअली, LNX लॉग एक्स टू द बेस ही है, तो आप लॉग एक्स टू द बेस ही बोलो या LNX बोलो, बात एक, ठीक है, मैंने कहा LN20 तो इसका मतलब क्या है, लॉग 20 to the base e की बात कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग 20 की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल लॉग मतलब बेस ई लेना है, ठीक है, और किस पर ले रहा हूँ मैं, 20 पे ले रहा हूँ, क्लियर है, तो अगर मान लो LNX कहीं ना कहीं दिखाई दे जाए, क्योंकि आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, NCERT को एज सच वो फॉलो नहीं करते हैं, तो आ जाए तो आ जाए, काफी और बुक्स में तो LNX की डेफिनेशन दे रखी है, तो बता दिया मैंने वैसे, ओके यहाँ तक समझे क्या, अच्छे से समझ गए, ओके, अब अपन नोट सेक्शन पे वापस लौटते हैं, देखते हैं हमको नोट क्या क्या करना है, तो ये लॉगरिथमिक एज अ फंक्शन हमने डिफाइन किया था, लॉग एक्स टू द बेस 2 जो बुक में है, वो वाले ग्राफ्स आप बना देंगे नोट्स में, लॉग एक्स टू द बेस 2 ये अपन ने एक एक पॉइंट पे भी करके देखा, फिर लॉग एक्स टू द बेस ई नेचुरल लॉग, लॉग एक्स टू द बेस 10 कॉमन लॉग, ठीक है, कोई सा भी बेस हो 1, 0 से तो हर लॉगरिथमिक फंक्शन को पास होना ही पड़ेगा, इनमें से कोई भी वाई एक्सिस को नहीं छुएगा, वाई एक्सिस के नजदीक जा सकता है, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करोगे ये वाई एक्सिस के नजदीक जाएगा, इसकी वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड 0 करोगे ये भी वाई एक्सिस के नजदीक जाएगा, तीनों वाई एक्सिस के नजदीक जाएंगे, लेकिन तीनों में से कोई भी वाई एक्सिस को छू नहीं सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड होता है ओनली, क्यों, क्योंकि उसमें वाई की वैल्यू 0 या 0 से छोटी नहीं हो सकती, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड होता है ओनली, क्योंकि इसमें इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में, वाई की वैल्यू नेगेटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में, यानी दोनों में से कोई भी ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में तो हरगिज नहीं जा सकता, वो फर्स्ट एंड सेकंड में, ये फर्स्ट एंड फोर्थ में, थर्ड में कोई नहीं जाएगा, डन, आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमने कल लिखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, सो उसकी कल डोमेन हमने क्या लिखी थी, एनी रियल नंबर, तो इसकी डोम और रेंज क्या लिखी थी, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो पहले तो डोमेन एंड रेंज को कर दो उल्टा, आज डोमेन क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर मतलब एक्स की वैल्यू एनी पॉजिटिव रियल नंबर और वाई की वैल्यू एनी रियल नंबर, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1, 0 से पास होगा, टेक एनी बेस यू लाइक, कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से पास हो रहा था, 0, 1 से पास हो रहा था, टेक एनी बेस यू लाइक, बस बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, वो दोनों की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवर इंक्रीजिंग होते हैं वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन भी एवर इंक्रीजिंग होते हैं, हमेशा वो ऐसे जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, कभी घूम के नीचे नहीं आया, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो जिसने एक बार उड़ान भर ली तो अब वो भरता ही जाएगा, वो घूम के नीचे नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एवर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और जो इंक्रीजिंग होके और डिक्रीजिंग भी हो जाए,
तो उसको आप एवर इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, उसको एट सम पॉइंट इंक्रीजिंग एट सम पॉइंट डिक्रीजिंग बोलोगे। लेकिन एवर इंक्रीजिंग मतलब टेक एनी पॉइंट, वो हमेशा इंक्रीजिंग है, वो होता है एवर इंक्रीजिंग, समझे। सो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों के दोनों फंक्शन वैसे तो एक दूसरे के उल्टे हैं, पर यहां जाके दोनों की ये नेचर सेम है कि दोनों एवर इंक्रीजिंग है। इसमें उल्टा मत कर देना कि वो एवर इंक्रीजिंग है तो ये एवर डिक्रीजिंग कर दें, है ना। ये इनकी प्रॉपर्टी सेम, कॉमन प्रॉपर्टी। ओके, अब ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, फिफ्थ नंबर पॉइंट कल भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी आया था और इसमें भी आ रहा है। अभी मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको बताई कि लॉग फंक्शन जो होता है वो टेक एनी बेस बी यू लाइक, उसमें अगर उसकी वैल्यू, लॉग फंक्शन की वैल्यू जो है लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स बनती चली जाती है, ठीक है, नहीं, लार्ज नेगेटिव वैल्यू बनती चली जाती है वाई की वैल्यू, वाई मतलब लॉग एक्स की वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे एक्स जो है टेंड टुवर्ड जीरो करता है, लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, बस टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो सकती है। जो इनपुट ले रहा हूं मैं जीरो के नजदीक का ले सकता हूं, पर जीरो या जीरो से छोटा नहीं ले सकता हूं। और जैसे जैसे मैं जीरो के बिल्कुल नजदीक आ जाता हूं, तब लॉग एक्स की वैल्यू यानी आउटपुट की वैल्यू जो है लार्ज नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है। डन। इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो ग्राफ ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन नेवर मीट्स द वाई एक्सिस। कल लॉगरिथमिक की जब जब एक्सपोनेंशियल था तो यहाँ पे वाई की जगह एक्स था, उसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं छू सकता, इसका ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को नहीं छू सकता, ठीक है, डन। चलो अब वो टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस लिख देते हैं। अब दोनों फंक्शंस को फिर एक ही ग्राफ पे आप बना के बताएंगे। एक्सपोनेंशियल हेडिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टू द सेम बेस। अच्छा, बेस भी सेम होना चाहिए तभी मिरर इमेज लगेगी, ऐसा नहीं कि इसका बेस आपने टू ले लिया और इसका बेस थ्री ले लिया, अब एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत लगेगी लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनेगी क्योंकि आपने बेस चेंज कर दिया। आपको टू द सेम बेस लेना है और इस सेम ग्राफ पे लेना है, अब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिखाई दे। अगर आपने वाई इक्वल टू एक्स को मिरर की तरह ट्रीट किया इस ग्राफ को, ठीक है, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, नोट पढ़ते हैं। व्हेन वी ड्रॉ द टू ग्राफ्स एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टू द सेम बेस, लेकिन होना वो ग्रेटर देन वन चाहिए, सेम बेस को लेना है लेकिन ग्रेटर देन वन होना चाहिए, देन बोथ द ग्राफ्स एक्ट एज अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर टेकिंग द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एस मिरर। वाई इक्वल टू एक्स को मिरर मान लें तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगाई देंगे। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन तो होती है कंप्लीट। ओके, अब लॉगरिथमिक फंक्शंस के दो या तीन प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए हैं इंपॉर्टेंट क्यों है सुनो, वो इसलिए हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया है लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव भी सीखना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी नोट भी करके आए और याद भी करके आए। बोलो सौम्या, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। लेकिन जिस लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, जिस लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो लॉग फंक्शन बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग होता है। यानी अगर मैं कल आपसे सौम्या लॉग एक्स टू द बेस ई की जगह कुछ 5 बेस रख दूं और इसका डिफरेंशिएशन करने को कहूं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसका आंसर आप 1/x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/x log x का डेरिवेटिव होता है, मान ली बात, लेकिन तभी होता है जब बेस ई हो, नहीं तो नहीं होता है। तो पूछ तो इसका भी सकता है ना डेरिवेटिव, पूछ तो कोई और बेस में भी सकता है। इसका मतलब अगर इसका पूछ ले तो मुझको इसको ऐसे किसी लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे बेस 5 बेस ई में कन्वर्ट हो जाए, और ये बेस को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमको सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, और यहां से तो 100% क्वेश्चन आएगा बेस चेंज करने के लिए, ठीक है ना। अब कैसे हम बेस चेंज करते हैं समझे, तो पहले तो सरल भाषा में समझो कैसे हमको बेस चेंज करना है। देखो लॉग एक्स टू द बेस बी ले लो, चलो अब मुझे इस बेस बी को लेट से बेस ए बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, ए, तो आप लिख दो लॉग एक्स टू द बेस ए, पर इसको एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, लॉग बी टू द बेस ए, पढ़ लो इसको ध्यान से। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, जिस बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो आपके मनपसंद बेस में, जो हमारा
जनरल केसेस में ई होता है, क्योंकि हमको डेरिवेटिव ई का ही करना आता है, तो हम ई में ही बदल के उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे मनपसंद बेस में इसको चेंज कर देंगे, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर से, नीचे वाला कांस्टेंट है याद रहा है, लॉग बी टू द लॉग एक्स टू द बेस, ये तो वेरिएबल है क्योंकि एक्स आ रहा है, लेकिन लॉग बी में बी भी न्यूमेरिक ए भी न्यूमेरिक, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, सर कैसे, जल्दी से याद रखें, ऊपर वाले को ऊपर पहुंचा दो, नीचे वाले को नीचे पहुंचा दो, दोनों में अपना मनपसंद बेस रख दो, ठीक है। लर्निंग टेक्निक ऐसे याद कर सकते हैं, अब ये वैसे ऊपर नीचे नहीं है, ये बी टू द पावर एक्स नहीं है, बट जस्ट ए लर्निंग टेक्निक, जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको तो ऊपर रख दो, जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको नीचे रख दो, लेकिन दोनों का बेस जो भी आप बदलना चाह रहे हो, आप ए बदलना चाह रहे हो ए लिख लो, आप ई बदलना चाह रहे हो ई लिख दो, आप टेन बदलना चाह रहे हो टेन लिख दो। तो अब ऐसा करने के बाद आप जो सेकेंड फंक्शन मैंने कहा था उसका डेरिवेटिव करने के काबिल बन चुके हो। क्या कहा था मैंने आपको डेरिवेटिव किसका करने के लिए कहा था, बोलो, लॉग एक्स टू द बेस 5, यानी क्या कहा था, लॉग एक्स टू द बेस 5 का डेरिवेटिव करके बताओ, दम है तो, मैंने ये आपसे सवाल किया था। तो आप क्या करोगे, सर लॉग एक्स टू द फाइव बेस 5 का तो मुझे डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन मुझे लॉग एक्स टू द बेस ई का जरूर आता है, जो कि 1/x होता है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, लॉग एक्स टू द बेस 5 को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, लॉग एक्स टू द बेस आपके मनपसंद बेस ई में, लेकिन एक कॉन्स्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट क्या होगा बोलो साक्षी, वेरी गुड, लॉग 5 टू द बेस ई, 5 नीचे आ गया, बेस दोनों का कॉमन, तो ये फंक्शन, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, सो इसका ले लेता हूं मैं, लेट्स से इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इस पूरे पार्ट का अगर मैंने डी बाय डी एक्स कर दिया, तो डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉन्स्टेंट को तो फेंक के बाहर फेंको, सबसे पहले लॉग 5 टू द बेस ई क्या है, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सो इसको तो बाहर फेंको, 1/log 5 टू द बेस ई, और डी बाय डी एक्स केवल इसका कर दो, लॉग एक्स टू द बेस ई, और लॉग एक्स टू द बेस ई का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/x, तो 1/x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1/x इनटू लॉग 5 टू द बेस ई, ये इसका डेरिवेटिव है, डन, क्लियर। तो अब आप किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव करने के काबिल बन चुके हो, चाहे से वो बेस ई ना दे के कुछ और दे दे, ई दे दे तो डायरेक्ट आंसर है, ई ना दे तो भी हमारे पास आंसर है, कैसे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से। चलो तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, अभी जो मैंने समझाया, हो सकता है मैंने लेटर्स डिफरेंट ले लिया हो, जैसे शायद अभी शायद मैंने आपको समझाया तो मैंने इधर बी और इधर ए लिया था, राइट, इधर बी और इधर ए लिया था, अभी इधर ए और इधर बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लॉग पी टू द बेस ए को आपको लॉग पी टू द बेस बी में बदलना है ना, ए बेस को बी बेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका है, कर दो करके, और फिर नीचे क्या करो, जो आपने इधर बेस लिया था वो अब इनपुट लो, और बेस वही कॉमन लो बी, ठीक है, वही सेम चीज, पी इधर ए इधर, और टेक योर मनपसंद बेस एज यू विश, ठीक है। बट सर इसका कोई प्रूफ है क्या, बिल्कुल इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ भी है, देखो कैसे, मान लो इसको तो ले लो आप एक्स, इसको ले लो आप, चलो अलग से करके बताते हैं, करे कराए में मजा नहीं आता, समझने में कम आता है, सो तीन वैल्यूज है मेरे पास, क्या एलएचएस में क्या है, लॉग पी टू द बेस ए, आरएचएस में दो वैल्यूज बोलो, लॉग पी टू द बेस बी, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बोलो, बोलो लॉग ए टू द बेस बी, सो तीनों को मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, ये एक्स ये वाई ये जेड, चलो आपको लॉगरिथम में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, या ऐसे मानो अभी आप नए नए हो तो लॉगरिथम में आपका दिमाग जल्दी नहीं चलता, कोई बात नहीं, आप तीनों का एक्सपोनेंशियल्स बना सकते हैं, उत्ता तो कर सकते हैं, तीनों के एक्सपोनेंशियल्स बनाने का काम साक्षी से स्टार्ट करते हैं, साक्षी इसका एक्सपोनेंशियल बनाना, इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बनाना, बोलो, डेरिवेटिव नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये एक एक्सप्रेशन है, अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, स्टार्ट कहां से करी थी आज क्लास हमने, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक बनाना सिखाया था, तो लॉगरिथमिक से वापस एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं हम, बनाओ, सो मैं बनाओ, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी, ए टू द पावर एक्स उसी से तो बन के आया है ये, ए टू द पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी पी, अब बनाओ दूसरे की, बनाओ पी टू द पावर वाई इक्वल टू पी, ओके यहां पे बनाओ प्रियांशु तीसरे की बनाओ,
बी टू द पावर जेड इक्वल टू ए, डन। लेट्स से ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन ए की वैल्यू क्या है बोलो, क्या इसको मार रख दूं, रख दूं? तो ए की वैल्यू बी टू द पावर जेड उधर फिट करूंगा तो इक्वेशन वन की शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी, बी टू द पावर जेड की पावर एक्स इक्वल टू पी, ए की जगह फिट कर दिया ना, ए की जगह क्या फिट कर दिया, बी टू द पावर जेड, तो उसकी पावर एक्स इक्वल टू पी, ऐसी कुछ शक्ल दिखाई देगी इसकी, बोलो बोलो। पावर पे पावर, पावर पे पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो बी टू द पावर जेड इन टू एक्स को एक्सैक्ट लिखना है इक्वल टू पी। अच्छा पी की वैल्यू इक्वेशन टू में बताओ क्या है, तो इसको मैं बी की पावर वाई भी लिख सकता हूं, इन दोनों को कंपेयर करो, बेस से बेस कंपेयर तो पावर भी बराबर, तो क्या बना एक्स जेड इक्वल टू वाई। अच्छा तो जेड को उधर पहुंचाओ तो एक्स इक्वल टू वाई अपॉन जेड, एक्स क्या था ये, वाई क्या था ये, जेड क्या था ये, यानी दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, समझ आया? इसकी वैल्यू दिस को इससे डिवाइड करके मिलने वाली है, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई को जेड से डिवाइड करके मिली, मैंने उसको एक्सपोनेंशियल्स में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया, क्योंकि लॉगरिथमिक में मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, अभी अब नया नया, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इधर भी दिमाग चलने लग जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इसका प्रूफ अगर पूछ ले तो यही इसका प्रूफ है, यही ऐसा ही कुछ है, लॉग ए टू द बेस पी को हमने एक्स ले लिया, लॉग बी टू द बेस पी को हमने वाई ले लिया, लॉग ए टू द बेस पी को हमने जेड ले लिया, इनको एक्सपोनेंशियल्स बना दिए हमने, एक्सपोनेंशियल्स बना के हमने क्या करा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू इक्वेशन वन, थ्री से वन में हमने ए की वैल्यू फिट करी, यहाँ पे हमने हटा के इसकी वैल्यू फिट कर दी बी टू द पावर जेड, इसकी पावर एक्स इक्वल टू पी, डन। तो क्या हो गया ये, इट इज लाइक b टू द पावर z की पावर x इक्वल टू p, b टू द पावर z x इक्वल टू p, फिर इक्वेशन 2 से हमने p की वैल्यू पुट अप कर दी, क्या b टू द पावर y, बेस से बेस कॉमन हो गया y इक्वल टू zx, x इक्वल टू y बाय z, वापस वैल्यू पुट अप कर दो, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही, तो जो चाहिए था वो मिल गया, प्रूफ हो गया, डन। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या था, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस, बेस ही बदल सकते हो, अब इनपुट आउटपुट नहीं बदल सकते किसी लॉक का, अगर किसी ने लॉक सेवन बोला है तो लॉक सेवन ही रहेगा हमेशा, वो लॉक सिक्स नहीं बन जाएगा, यू कैन ओनली चेंज द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, ओके आओ। हाँ सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट टू द सम प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट टू द सम प्रॉपर्टी, अगर हमको पी इंटू क्यू पे लॉग लगाना है तो आप पी पे अलग लगा दो, Q पे अलग लगा दो, और यहां पे प्रोडक्ट था तो अब यहां पे वो सम बन जाएगा, समझे क्या? ये प्रॉपर्टी बड़ी ही एक तरीके से रिस्की प्रॉपर्टी है, क्यों? ये इसलिए रिस्की है क्योंकि प्रोडक्ट टू सम याद करते करते थोड़े टाइम के बाद बच्चे सम टू प्रोडक्ट भी करना शुरू कर देते हैं, जो कि हरगिज नॉट अलाउड है, लॉग पी प्लस क्यू लॉग पी इंटू लॉग क्यू नहीं होगा, लेकिन log p इंटू क्यू लॉग पी प्लस लॉग क्यू जरूर हो, समझे क्या? तो क्या है इससे बचने का उपचार कि ये गलती ना हो, आप उसकी प्रॉपर्टी का नाम याद रखो, प्रोडक्ट टू सम, सो देर इज नो प्रॉपर्टी लाइक सम टू प्रोडक्ट, देर इज ओनली वन प्रॉपर्टी विच इज प्रोडक्ट टू सम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने log 6 निकाला तो log 6, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, 6 क्या होता है बोलो 2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, log 2 प्लस log 3, log 2 पे अलग निकालो 3 पे अलग निकालो प्लस कर दो, बेस कहाँ गया, बेस जो इधर है वो इधर है, वो इधर है, सेम बेस लगेगा तीनों जगह, अगर b यहाँ है b यहाँ है b, सर आपने तो लिखा ही नहीं, मैंने नेचुरल मान लिया, नहीं लिखना मतलब e मान लेना, समझ गए, नहीं लिखना मतलब बेस को e मान लेना, समझ गए क्या, बोलो। तो इसका भी प्रूफ है हमारे पास, लेट्स सी इसका क्या प्रूफ है, क्या सीखा अभी अपने, log PQ इक्वल टू log P प्लस log Q, log PQ, PQ मतलब P इंटू Q, इस पे log लगाओ टू द बेस B, तो क्या बनेगा ये, log P टू द बेस B प्लस log Q टू द बेस B, यही बनेगा। अच्छा पिछली बार की तरह इनको x y z ले लो, सो लेट्स से ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया हमारा, तो इस एक्सप्रेशन इसको एक्सपोनेंशियल्स में कन्वर्ट करो फर्स्ट वाले को, तो क्या बनेगा, बी की पावर एक्स इक्वल टू पी क्यू, बोलो
इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो वाई की पावर बी, सॉरी बी की पावर वाई इक्वल टू पी, और ये क्या बनेगा, बी की पावर जेड इक्वल टू ए बनेगा। इक्वेशन वन ले लो इसको, इस इक्वेशन टू ले लो इसको, इक्वेशन थ्री ले लो। अगर मैं टू इंटू थ्री करूं, इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट वी विल गेट, एलएचएस इंटू एलएचएस करो, बी की पावर वाई इंटू बी की पावर जेड, आरएचएस इंटू आरएचएस करो, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन वन से कॉपी पेस्ट करो, बी टू द पावर एक्स, ठीक है ना। तो सेम बेस है और प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या हो जाता है, वाई प्लस एड, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर एक्स, तो बेस सेम हो गया, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स, या एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक्स क्या था, ये पूरा एक्सप्रेशन, वाई प्लस जेड यानी ये एक्सप्रेशन प्लस ये एक्सप्रेशन, ठीक है। सो प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी समझ में आई क्या, बोलो। अच्छा आप कैसे याद करो, फिर भी अगर गलती हो रही है या कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद करो कि मुझे एक चीज बताओ, आप एक जनरल चीज आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही सरल सी जनरल चीज, आपने बचपन से ही स्टार्ट कर लिया होगा उसको सीखना। अगर टू की पावर थ्री है और टू की पावर फाइव है, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखते क्या, बोलो साक्षी, इसको सॉल्व करके क्या लिखते हो, एक्सपोनेंट के पावर्स के रूल्स समझे थे ना अपने एट नाइन्थ में, समझते क्या लिखते हैं इसको, टू की पावर एट, वेरी गुड, थ्री प्लस फाइव। लेकिन क्या इसका उल्टा कर सकते हो आप, टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फाइव है तो आप टू की पावर थ्री इंटू फाइव लिखते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या, यानी पावर्स को ऐड करना पॉसिबल होता है, पावर्स को प्रोडक्ट करना कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता, नहीं होता ना बेस में, तो नहीं होता ना, तो यानी पावर्स जुड़ती हैं, पावर्स बोलो, पावर्स जुड़ती हैं, तो पावर्स जुड़ती हैं तो मुझे एक चीज बताओ, लॉक का आंसर भी तो पावर्स होती हैं, तो ये भी तो पावर ही है, तो ये लो पावर्स जुड़ रही हैं, देख लो, वैसे भी पावर्स ही जुड़ती हैं, अभी भी पावर्स ही जुड़ रही है। बोलो मैं पूछूं, लॉग एट क्या होता है, टू द बेस, लॉग एट क्या होता है, टू द बेस टू, तो आंसर थ्री दोगे, तो थ्री क्या है, पावर है ना, यानी लॉग की वैल्यू तो पावर ही होती है, तो ये एक पावर है, ये भी एक पावर है, पावर 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 जुड़ रही है, याद रखने का तरीका हो सकता है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के रूल्स में भी पावर्स ही जुड़ती थी, पावर्स प्रोडक्ट नहीं होती थी, ओके। और वैसे याद रखो तो प्रोडक्ट टू सम होता है, सम टू प्रोडक्ट नहीं होता। इसको आप अभी जो मैंने बताया था सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना घर जाके, इक्वेशन वन टू थ्री बना देना, इक्वेशन टू इंटू थ्री कर देना, आप टू इंटू थ्री करेंगे तो ये वाई प्लस जेड हो जाएगा, और फिर इक्वेशन वन से पी क्यू की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे हम, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देना, वाई की वैल्यू यहाँ लिख देना, जेड की वैल्यू, ओके डन। अब अगर हमने प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी सीख ली, तो प्रोडक्ट का उल्टा क्या होता है, डिवीजन, तो अगर पी क्यू की जगह पी बाय क्यू हो जाए तो प्लस की जगह माइनस कर देना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना, बोलो। अगर पी इंटू क्यू की जगह, पी इंटू क्यू की जगह पी बाय क्यू हो जाए, तो जो यहाँ पे प्लस हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं बनी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ डिवीजन वाले रूल्स तो साथ साथ ही चलते हैं, जैसे प्लस के साथ माइनस के रूल साथ साथ चलते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट टू सम, ये भी प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी का ही एक तरीके से केस मान, ओके ना, प्रोडक्ट टू सम ही है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, तो यू विल टेल कि ये प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी है, पी क्यू होता था, पी बाय क्यू हो गया था, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने पूछा लॉग टू बाय थ्री बताओ, बोलो क्या होगी लॉग टू बाय थ्री की वैल्यू, बोलो लॉग टू माइनस लॉग थ्री, ओके और लॉग टू इंटू थ्री की लॉग टू प्लस लॉग थ्री, ओके। चलो अब इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है, इस वाली प्रॉपर्टी का, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है, वो क्या है, सपोज करो मैंने आपसे पूछा लॉग पी क्यू टू द बेस बी क्या होता है, अभी अभी आपने बताया, क्या बताया बोलो, लॉग पी टू द बेस पी, क्योंकि इसका स्पेशल केस है, तो पहले ये केस लिख देता हूँ, मतलब ये प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, आगे वो क्या बोलोगे, लॉग क्यू टू द, ऐसे बोलोगे। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर पी और क्यू दोनों बराबर हों, स्पेशल केस है पी इक्वल टू क्यू, यानी ये दोनों नंबर्स बराबर हों, तो पी इंटू पी हो जाएगा इधर, बोलो क्यू की जगह पी रख दूंगा मैं वापस, तो पी इंटू पी क्या होता है, पी स्क्वायर, क्या होता है, टू द बेस पी, इधर भी पी इंटू क्यू, पी इक्वल टू क्यू कर देंगे तो उस क्यू की जगह भी पी आ जाएगा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ लॉग पी हो जाएगा, बताओ, टू द बेस भी, बेस तो सेम है, तो यहां से यहां समझे, अगर लॉग पी स्क्वायर है तो उसका टू उठा के हम पीछे लगा सकते हैं, टू लॉग पी, यानी लॉग, सिंपल सी भाषा में बात करें तो लॉग क्या बोलूं, लॉग
ए टू द बेस बी बोल दो, लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है, बी लॉग ए होता है, बेस जो यहां रहेगा वो यहां रहेगा, बोलो, लॉग ए टू द बेस, लॉग ए टू द पावर बी, लॉग ए टू द पावर बी क्या होता, बी लॉग ए होता, ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका स्पेशल केस है, ओके ना। सो कल को अगर सपोज करो ऐसे है, फंक्शन ऐसे है, देखो ये क्यों काम आएगा मुझे, ये सारी चीज क्यों काम आएगी, सपोज करो फंक्शन है लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, अभी बाहरी सा फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा, पावर को नीचे उतार दो, साइन एक्स इंटू इंटू लगेगा बीच में लॉग एक्स, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से इनका डेरिवेटिव निकल लेगा, अब इजी हो गया ना ये, प्रोडक्ट रूल से निकल लेगा, पहले तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, पहले पॉसिबल ही नहीं था उसके बिना, तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत काम आएगी पावर को नीचे उतारने वाली, समझे क्या, पावर को नीचे उतारने वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हमको काम आने वाली है, ओके ठीक है। बट इसको ऐसे मत, ऐसे नहीं कर सकते हम, सपोज करो यहां पर है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फिर लॉग एक्स क्यूब है, ठीक है, तो अगर यहां पे स्क्वायर है और यहां पे क्यूब है तो इसका 2 उतरेगा नीचे और इसका 3 उतरेगा नीचे, दोनों के पास अलग अलग है ना, तो दोनों के पास अलग अलग पावर निकलेगी, ये चीज याद रखना, ओके क्लियर। चलो सो ये स्पेशल केस पढ़ लेते हैं एक बार, स्पेशल केस ऑफ प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग पी क्यू टू, ये तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी लिख दी मैंने पहले जो अभी सीखी, दिस वॉज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या कर दिया, पुटिंग पी इक्वल टू क्यू कर दिया, सो पी इंटू क्यू की जगह पी इंटू पी हो गया, पी इंटू पी पी स्क्वायर हो गया, तो ये लॉग पी और लॉग पी सेम हो गया, तो 2 log p हो गया टू द बेस पी, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि लॉग पी टू द पावर एन हो जाए तो वो एन लॉग पी के बराबर होगा, जो भी पावर है वो नीचे उतर के आ जाएगी, ओके। अच्छा यहाँ पे नेचुरल नंबर ही क्यों होगा, क्योंकि जब पी और क्यू बराबर हो जाएंगे तो पी स्क्वायर पी क्यूब इस तरीके के तो एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, तो 100% यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा, कोई और चांस ही नहीं है, इसलिए हमने वहां पे बाय डिफॉल्ट एन रखा, ठीक है, बाकी आपको क्या याद रखना है, जो पावर है वो नीचे उतर के आ जाए, सिंपल से शब्द। सो ये 2 प्रॉपर्टीज और दूसरे प्रॉपर्टी का स्पेशल केस, मान लो 3 प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक के, हमको याद, पहली क्या थी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, दूसरी क्या थी प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी का स्पेशल केस क्या है, पावर को नीचे उतारने वाली प्रॉपर्टी, ये चीज समझ में आ गई, ओके। स्पेशल टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पहले बता दिए, लिखने हैं आपको कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस 10 फिक्स होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस e फिक्स होता है, नेचुरल लॉग्स को एल एन एक्स भी बोला जाता है, यानी कि लॉग एक्स टू द बेस e को सिंपल शब्द में एल एन एक्स भी बोला जाता है, ओके डन। व्हेन बेस इज नॉट गिवन देन वी विल कंसीडर बेस e, सरल सी बात है, अगर बेस नहीं गिवन है तो कौन सा बेस माना जाएगा, e, यानी कि कैसा टाइप का लॉगरिथमिक फंक्शन माना जाएगा, हमेशा एल एन एक्स माना जाएगा, यानी नेचुरल लॉग माना जाएगा, लॉग एक्स सिंपली लॉग एक्स लिखा हुआ है तो वो लॉग एक्स टू द बेस e के बराबर माना जाएगा, डन। डेरिवेटिव निकालने का तरीका, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ई का, लॉग एक्स का पूछा है बेस नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट लॉग एक्स टू द बेस ई का पूछा है, और लॉग एक्स टू द बेस ई का ही डेरिवेटिव 1/x होता है, अगर बेस यहाँ पे चेंज हो गया तो उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होता, आपको बेस को चेंज करके फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है 1/x एक्सप्रेशन में एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सो सारे कहानी में डेरिवेटिव तो 2 लाइनों में हुआ है बस, ठीक है। तो कल मैंने क्या कहा था कि अगर हम इस चैप्टर में ये सारा इंट्रोडक्शन ना भी पढ़े जो कल और आज पढ़ा, तो भी एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाती, तो भी एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाती, देखो एक्सरसाइज पे देखो एक बार, क्वेश्चंस का नेचर देखो, मुझे बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो इस इंट्रोडक्शन के बिना सॉल्व नहीं हो सकता था, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसने कहीं पर बेस भी नहीं बदला, बेस बदलता क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं बदलेगा वो, आपके कंपटीशन में जरूर बदलेगा, तो आपको बदलना पड़ेगा, आपके बदल ले तो आप ध्यान रखना, कहीं पर भी उसने लॉग फंक्शन का बेस बदला है क्या, आप कहोगे सर दिया ही नहीं है, तो दिया ही नहीं तो ई है ना, और ई है तो नहीं बदला है, और लॉग जब बेस ई होता है तो उसका डेरिवेटिव मुझे सरल सा याद है ना, देखो यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पे लॉग पे लॉग लग रहा है तो दोनों पे ई होगा, यहाँ पे भी ई होगा, यहाँ पे भी ई होगा, ठीक है। सो हो गया है क्या टाइम, क्लास है कोई और, कौन सी क्लास है, कितने बजे, कहाँ पे क्लास में, छोड़ के आ जाओ वापस, कर लेते हैं एक्सरसाइज।
ये तो आधे घंटे में हो जाएगी। हाँ जाओ कर ले, अभी 2 दिन के बाद तो फिर वापस 2 दिन के बाद आपके स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद वही ताबड़तोड़ हड़बड़ाहट मच जाएगी, आपको सुबह को आना पड़ेगा। ये तो गायब ही हो जाएगी कल से परसों से, है ना। सुबह को तो नहीं आ सकती, ये तो वीडियो से पढ़ना शुरू कर देगी। फिर आप में से भी कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो अभी 1 2 दिन पढ़ लेते हैं कल से। और ये एक्सरसाइज बड़ी सरल है, चलो आ जाओ। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दैम। इसको बंद कर देते हैं नोट सेक्शन को। ऊपर एक्सपोनेंशियल है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सरल सी बात है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्वोशेंट रूल लगाएंगे। समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग है तो वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये फंक्शन है, कैसे करते थे अपन, अभी अपन इनिशियल स्टेज में तो दोनों को यू और वी मान लेते हैं, फिर अभी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो फिर डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन को यू क्या लिखूंगा मैं, लेट यू बी ई टू द पावर एक्स, लेट यू बी ई टू द पावर एक्स एंड वी बी साइन एक्स। ओके, तो अब यू और वी दोनों हैं आपके पास, तो दोनों के डेरिवेटिव बता दो। सो यू डैश क्या होगा, और वी डैश का मतलब डेरिवेटिव होना होता है, ठीक है ना। सो यू डैश बताओ, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, ई टू द पावर एक्स, और वी डैश क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो चारों की वैल्यू मिल गई, नाउ डाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो नाउ वापस लिख देना एक बार, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू बाई वी। तो यू बाई वी का डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही इंस्ट्रक्शन है हमको। वी गेट, तो y बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और इधर u बाय वी का होल डैश, और u बाय वी का होल डैश बाय प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताओ, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय क्वेश्चन रूल। अब आपके पास सबकी वैल्यूज हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। बताओ u डैश की क्या वैल्यू निकाली है आपने, e टू द पावर x इंटू v की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल v साइन x माइनस ओरिजिनल यू क्या है, ई टू द पावर एक्स, और ओरिजिनल वी डैश क्या है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो तो ई टू द पावर एक्स दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और हो सकता है सॉल्व साइन एक्स को भी इससे डिवाइड कर दो कॉस एक्स को, तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बोलो, नीचे कॉस कैसे आया, साइन आएगा, यस बी चाहिए ना, वी का स्क्वायर चाहिए, तो कॉस नहीं आएगा साइन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अभी ठीक है, ओके, इसको अलग अलग डिवाइड करा सकता हूँ, साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओ तो क्या मिलेगा बोलो साक्षी, साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, वो क्या होता है नहीं पता आपको, 1 बाय साइन एक्स क्या होता है नहीं पता, तो सीधे बोलो ना कॉसेक एक्स माइनस कॉस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, सौम्या कॉटेक्स और कॉसेक एक्स, तो इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए, उसमें से भी कॉसेक एक्स कॉमन ले लो, तो ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स 1 माइनस कॉटेक्स, देख लो किस फॉर्म में आंसर है, बस यही ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी, अब स्पीड पकड़ लें, ये सब जो फॉर्मेलिटी पार्ट है वो तो करना ही है आपको, डिफरेंशिएटिंग लिखना है, यू बाय वी है, वेटेज ज्यादा है तो यू डैश अलग करके दिखाना है, बी डैश अलग करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बो पैक है ये। सो अगर ये हो गया वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के हम लिखेंगे वी गेट वाई, तो बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा है बताओ, यानी कि मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है इस पूरे फंक्शन का, किसका, डी बाई डी एक्स करना है इस पूरे फंक्शन का, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का, इसका डी बाई डी एक्स करना है। सो सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा है,
सबसे बाहरी साइन इनवर्स एक्स है, बाहरी का मतलब होता है जो बाद में लगे, पहले एक्स पे लगाए साइन इनवर्स, फिर उसके आउटपुट पे लगाए ई टू द पाई। ये एक्सपोनेंशियल का इनपुट नहीं है क्या? ये एक्सपोनेंशियल का इनपुट है ना, एक्सपोनेंशियल तो बाद में लगा ना, बाहरी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर वाला फंक्शन है। आप ये देखो एक्स पे पहले कौन लगा होगा? साइन इनवर्स, तो अंदर वाला फंक्शन, फिर साइन इनवर्स एक्स पे कौन लगा होगा? एक्सपोनेंशियल। तो सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा है? ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू द पावर एक्स का और लॉग एक्स का और ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहां पे अगर ये एक्स होता तो ई टू द पावर एक्स होता ना, यहां पे क्या है? ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। समझ गए? तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन चेन रूल से अंदर जाएंगे, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाला फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इट इज लाइक ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो शायद कल परसों क्लास में सीखा था, 1/√1 − x2। तो फाइनल आंसर इज, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 − x2 फाइनल आंसर। चेक कर लो, सही है, इनकी डोमेन लिखी हुई है लेकिन वी विल नॉट राइट। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, समझ गए? ओके हाँ, तो आप ऐसे मत याद रखो कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स है, आप ऐसे लिखो ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग ही होता है। तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। एक्स को हमेशा समथिंग रीड करो, एक्स को कैसे रीड करो? समथिंग। तो वो समथिंग कुछ भी बदल सकता है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह फलाना, फलाना जगह टीम का, जो भी हो वैसा का वैसा ही रख दो आप। ओके चलो, थर्ड वन, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब बोलो सौम्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलो सौम्या, बाहरी फंक्शन कौन सा है? सबसे बाहर जो, सबसे बाद में जो फंक्शन लगा है, छोड़ के भी आ गए, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन लगा है बोलो? एक्सपोनेंशियल। पहले तो ये बताओ ये कितने फंक्शंस का कंपोजिशन है? दो, वो दो फंक्शन कौन कौन से हैं नाम बोलो। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और ई टू द पावर समथिंग, वो समथिंग टेक एनी समथिंग, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो पहले एक्स पे लगा पॉलिनोमियल और फिर एक्स क्यूब पे लगा एक्सपोनेंशियल, तो बाद में कौन सा लगा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो पहले मैं बाद वाले फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे क्या करना है? ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो पहले मैं ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दूं। साक्षी मुझे बताओ, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, क्योंकि ई टू द पावर फलाना डिमका का डेरिवेटिव वही ई टू द पावर फलाना डिमका होता है, सो ई टू द पावर एक्स क्यूब ही रहेगा। बट चेन रूल से हम अंदर वाले फंक्शन एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करेंगे, जो कि क्या होगा? 3x2। तो e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x2 हो गया ये, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 पहले लिख दो, जो छोटा दिखाई दे रहा है एक्सक्वायर पहले लिख दो, और जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है उसको बाद में लिख दो आंसर। तो ऐसे अजीबो गरीब एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, अब ये क्या एक्सप्रेशन बन गया सर, 3x2 इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब, तो कुछ भी लिख रहे हो आप। तो ऐसे कुछ भी टाइप के दिखने वाले एक्सप्रेशन अब बनना शुरू हो चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी की डेफिनेशन ही बदल जाएगी, देखना कैसे कैसे एक्सप्रेशन बनता है। ओके चले नेक्स्ट। ओके, कम टू द फोर्थ वन, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। पहले तो ये पहचानो कि कितने फंक्शंस का कंपोजिशन दे दिया इसने, हाउ मेनी फंक्शंस का कंपोजिशन यहाँ पे भाई कंपोजिट फंक्शन में हुआ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दो का। आप बोलो सौम्या, क्योंकि जब तक ये नहीं पहचानोगे कि कितने फंक्शंस का कंपोजिशन है, उतनी बार चेन रूल लगेगा। अब आपने 2 बार पहचाना तो आप 2 बार ही लगाओगे, आपने 3 बार पहचाना तो आप 3 बार लगाओगे, आपने 4 बार पहचाना आप 4 बार लगाओगे। सो टेल मी कितने फंक्शन का कंपोजिशन है यहाँ पे, टू का। आप बोलो, 3 का। साक्षी आप बोलो, दिख ही नहीं रहा, आप इधर शिफ्ट हो जाओ, एक्चुअली ये चेयर्स इधर और ये चेयर्स इधर सुटेबल है, तो कल से कोई भी बैठो, चेयर्स ये बड़ी वाली इधर रखना, छोटी वाली इधर रखना, ठीक है ना, या एक बड़ी एक छोटी रख देना दोनों साइड। सो वी गेट डी वाई बाय डी
Yes. हाँ साक्षी, अब बोलो, अब दिख रहा है कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है? तीन। अब बोलो, चार फंक्शन का कॉम्पोजिशन। बेटा माइनस एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर लगा एक्सपोनेंशियल नंबर टू, फिर लगा इस पूरे पे टेन इनवर्स नंबर थ्री, और फिर इस पूरे पे लगा साइन नंबर फोर। चार फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। पहले एक मशीन थी पॉलिनोमियल फंक्शन की, उसके अंदर एक्स डाला तो आंसर माइनस एक्स है। फिर उस माइनस एक्स को दूसरी मशीन में डाला एक्सपोनेंशियल में, उसका आंसर ई टू द पावर माइनस एक्स है। फिर ई टू द पावर माइनस तीसरी मशीन में डाला, उसका आंसर आया टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस। और फाइनली इसको फिर मैं चौथी मशीन में डाल रहा हूँ तो साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस। चार मशीन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है? तो अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर, अगर आपने तीन ही पहचाना, आपने माइनस एक्स को नहीं पहचाना, तो फिर आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहचाना ही नहीं कि ये भी एक फंक्शन है। अब उधर ही स्टॉप हो जाओगे, वही आंसर मान लोगे, जबकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन भी से भी मल्टीप्लाई होल होगा। ओके, स्टार्ट करें। सो चार फंक्शंस का एक कॉम्पोजिशन है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि अब फुल फ्लैश में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ क्लास 12th अब फुल फ्लैश में स्टार्ट हो चुकी है, फुल पावर में। अभी तक तो कल तैयारी चल रही थी, आएगा आएगा आएगा, अब आ चुका है ना? अब हम आ चुके हैं, डूब मतलब डुबकी मार ली हमने उस समुद्र में, अब गोते लगाते जाओ बस। तो करना क्या है, साइन ऑफ ब्रैकेट में लिखो टेन इनवर्स ऑफ, और अगर कंफ्यूजन हो तो दोबारा ब्रैकेट लगा दिया करो, किसी का कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे, ठीक है? ओके, सबसे बाहरी फंक्शन साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है और साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये समथिंग क्या है, ये पूरा समथिंग है, तो इस पूरे साइन के आगे जो भी लगा इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ये बनेगा इनटू। अब चेन रूल से अंदर एंट्री मारो तो साइन तेरा काम खत्म हो चुका है। अब अंदर एंट्री मारो तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस, उसमें टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे। सो मैं बोलो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा, टेन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन इनवर्स मतलब टेन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? वन प्लस समथिंग का स्क्वायर। वो समथिंग यहाँ पे कौन है? ई टू द पावर माइनस एक्स। तो व्हाट आई विल राइट, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस दैट समथिंग का स्क्वायर, दैट समथिंग इज ई टू द पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर, ठीक है? ओके, चेन रूल से अंदर और एंट्री मारो तो डी बाय डी एक्स, अब किसका करना बाकी रह गया? ठीक है, इसको सॉल्व भी करते जाओ और फिर अंदर है। इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इनटू वन, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा मेरा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो माइनस एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स, तो ई टू द पावर माइनस टू एक्स इन टू ई टू द पावर माइनस एक्स था। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा? वही होगा, क्योंकि ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई टू द पावर समथिंग ही होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आप सौ में इधर ही स्टॉप हो जाते, क्योंकि आप ये नहीं पकड़ते कि अभी माइनस एक्स का भी बाकी है। अगर चौथा फंक्शन नहीं करते तो आप ये नहीं करते, आप इधर ही आंसर मार्क कर देते, जबकि अभी तो माइनस एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी बाकी है। सो लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव नोट कर देंगे, ठीक है? अभी मेरे पास स्पेस खत्म हो गया, तो इसके बाद इक्वल टू जब मैं लिखूंगा तो ये चीज तो सेम लिख दूंगा, इनटू ये चीज भी सेम लिख दूंगा, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन। दैट मीन्स इस पूरी चीज को माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दूं, सो द फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स आंसर। बस एक्सप्रेशन पे मत जाना, ये क्या एक्सप्रेशन है इस पर कभी मत जाना, तो ग्राफ बनाने के बारे में तो सोचना नहीं, ठीक है? ठीक है, बस आंसर तो यही है। ओके, मैच करो, एक एक चीज मैच करो, अलग है। अच्छा, ई टू द पावर माइनस एक्स लिखना भूल गया ना, ई टू द पावर माइनस एक्स पे लिखो, तो जो छोटा फंक्शन है उसको पहले लिख दो, माइनस ई टू द पावर माइनस डॉट। अब ठीक है, ठीक है भाई, इसको इससे गुणा कराऊंगा ना, इसको इससे गुणा कराऊंगा, तो इसको पहले लिख दिया मैंने, इसको बाद में लिख दिया, और माइनस से गुणा कराऊंगा तो ओवरऑल माइनस लगा दिया, और डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दिया, डन। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ से एक शिक्षा मिल गई, एक कहानी की शिक्षा मिल गई,
कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने याद किया था e टू द पावर x है, लेकिन e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस a टू द पावर माइनस x है। अगर माइनस है तो उसका डेरिवेटिव सेम होता है लेकिन माइनस में चेंज हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव वापस पॉजिटिव e टू द पावर माइनस x, क्योंकि माइनस दो बार हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है ना। तो ये आगे के लिए अगर e टू द पावर माइनस x आएगा तो मैं दो स्टेप्स में नहीं करवाऊंगा, मैं सीधे करवाऊंगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, डन। ओके चलो, कौन सा किया अभी हमने, फोर्थ वन। अब लॉग फंक्शन शुरू हो रहे हैं यहां से, लॉग ऑफ कॉस टू द पावर ई टू द पावर एक्स, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई हाउ मेनी फंक्शंस का कंपोजिशन यहाँ पे, फोर। ओके टेल मी द फोर फंक्शंस। देखो अगर वाई इक्वल टू एक्स कहते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो याद है ना वन, ठीक है। तो मुझे बताओ ये भी करके देखोगे क्या, इसको तो सीधे वन लिख दोगे ना, तो फिर थ्री मानेंगे भाई। एक्स वैसे है, आप भाई इंटरनली जाओ तो चार ही है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है वो, एक तरीके से एक्स डाल रहे हैं एक्स ही आ रहा है, तो सॉरी हाँ सही है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, वाई इक्वल टू एक्स, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो मैं अलग से लिखूंगा नहीं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बच गया वही आएगा, तो मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, जो बच गया वही आंसर है। अभी माइनस वन से कराया था तो हर होल एक्सप्रेशन को माइनस लगाना पड़ा, लेकिन वन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर होल एक्सप्रेशन को वन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या, जब वही आएगा तो मैं एक तरीके से उस चीज उसको हटा ही दूंगा, मैं तीन ही फंक्शन का यहाँ पे मानूंगा। सो एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आप ऐसे मानो बेटा कि इनपुट में एक्स आता है, तो जब फंक्शन ही वाई इक्वल टू एक्स है, जब इनपुट में ही एक्स, अब वहां पे माइनस एक्स था तो एक्स की जगह कुछ और हो तो वो फंक्शन काउंट होगा, ऐसे मान लो। चलो एक्स की जगह कुछ और हो तो वो फंक्शन काउंट होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स होगा तो भी वो फंक्शन काउंट होगा, लेकिन एक्स है ना जस्ट, तो वो फंक्शन काउंट नहीं होगा। ओके क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इनटू वन करने से। ओके चलो, सो हाउ मेनी फंक्शन, थ्री फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव करना है यूजिंग चेन रूल। चलो अब मैं जिससे पूछूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिखना कंपलसरी है। वी गेट स्टार्ट विद रोनित, रोनित सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा है, लॉग, और जो सबसे बाहरी फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ, बाहरी फंक्शन है लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, जो सबसे बाहरी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बताओ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ। लॉग ऑफ समथिंग का मतलब वन अपॉन समथिंग, तो वन अपॉन वो समथिंग कौन है, ये सारा यही तो है लॉग के आगे समथिंग, तो इसके आगे लगा दूं मैं कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है सर। पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स तो तब होता था जब बेस ई हो, तो बेस कुछ नहीं गिवन है, तो ई तो है, तो सीधे डिवाइड करो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में विदाउट बेस ई तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ बेस ई के अलावा अदर देन ई बेस के क्वेश्चन ही नहीं है, सारे ई बेस के क्वेश्चन है, तो आपको तो बस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वन डिवाइडेड बाई एक्स लगाए चलना है, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चन कोई मिसलेनियस में एक आध मिल जाए चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के, नहीं तो नहीं है ना। आगे बढ़ो, इनटू चेन रूल से अंदर एंट्री मारेंगे, अंदर लॉक को हटा के अंदर क्या फंक्शन मिला, कॉस ई टू द पावर एक्स। आप बताओ प्रियांशु, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग, माइनस साइन ऑफ समथिंग, वो समथिंग कौन है यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स, इसको ब्रैकेट लगाना। इनटू अब डी टू डी बाई डी एक्स किसका करूंगा मैं, ई टू द पावर एक्स का, और ई टू द पावर एक्स का याद है मुझे क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है कॉस्ट e, इसको मल्टीप्लाई भी कर दो लगे, इधर सॉल्व भी करते जाया करो, तो वन इंटू दिस क्या हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस e टू द पावर एक्स, ठीक है। अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स। अब आप सौम्या के तरीके से चलो तो अभी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना बाकी है, बट वो वन मिलेगा, वन मिलेगा तो मल्टीप्लाई एक्स करने वही आंसर आएगा, तो वो एक्चुअली ये वाले चीज करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक्स है तो जरूरत नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स है तो भी जरूरत है, या टू एक्स है तो भी जरूरत है, थ्री एक्स है तो भी जरूरत है, पर एक्स की जरूरत नहीं। ओके सो यही आंसर है। अच्छा साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स, टेन ऑफ ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाई कॉस ऑफ समथिंग, टेन ऑफ समथिंग हो जाता है। सो ई टू द पावर एक्स को भी पहले लिखो, छोटा फंक्शन पहले लिखते हैं, तो माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू टेन ई टू द पावर एक्स, आंसर चेक करो, समझ आ रहा है। ओके सिक्स्थ वन देखो क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव प्लस
ई टू द पावर, अच्छा बीच में कुछ टर्म्स गायब है और लास्ट टर्म है, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई बताओ, पांच है ना, दो ही तो गायब है, तो दो भी गायब क्यों करी इसने, वो भी दे देता, कंफ्यूज करने के लिए करी, हमको लगी शायद इनफाइनाइट सीरीज है, बट ऐसा नहीं, पांच ही तो टर्म्स है, पांच टर्म्स का अलग अलग से डेरिवेटिव करना है। शुरू करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लगाइए, अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस इसका डेरिवेटिव चाहिए, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दो, इसका अलग करो उसका अलग करो उसका अलग करो फिर जोड़ दो, यही कहता है अल्जेब्रा, यानी सबका अलग अलग करना है। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पहले किसका करूंगा, ई की पावर एक्स, तो मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन वाइज, इसको लिखते भी जाओ, सबसे पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, प्लस फिर करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर करने वाले हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ, पांचों को लिखो अलग अलग, ई टू द पावर एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव। ओके आप चाहो तो सामने लिख सकते हो यूजिंग अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या लिखोगे सामने, यूजिंग अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, हमको सबका डेरिवेटिव करना था, इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना था, हमने सबका डेरिवेटिव करके जोड़ दिया, अब करना शुरू करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन चेन रूल से अंदर जाके एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा। ओके प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब ही होगा, लेकिन चेन रूल से अंदर जाके एक्स क्यूब का भी अलग से डेरिवेटिव करना होगा। सर इधर एक्स का क्यों नहीं किया, एक्स का करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ओके माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि सबका किया तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों, उसका फर्क नहीं पड़ा, एक्स को छोड़ दिया करो बस, एक्स तो एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा कुछ भी होगा तो उसका होगा, एक्स स्क्वायर का भी होगा, टू एक्स का भी होगा, माइनस एक्स का भी, बस एक्स का नहीं होगा ऐसा मान लो, हो रहा है एक्चुअली बट जरूरत नहीं पड़ रही। ओके ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर इंटू डी बाई डी एक्स, चेन रूल से अंदर जाके एक्स टू द पावर फोर का भी डेरिवेटिव होगा, लास्ट टर्म पे आ चुका हूं मैं, ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव, लेकिन चेन रूल से डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, एक्स टू द पावर फाइव का भी करेंगे, डन। अब जो ये चेन रूल से अंदर एंट्री मारी थी उनके डेरिवेटिव करो, और आंसर है बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, इसको पहले लिखो टू एक्स डॉट लगा दिया करो एक बीच में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब का करो थ्री एक्स स्क्वायर डॉट लगा दो ई टू द पावर एक्स क्यूब, प्लस एक्स टू द पावर फोर का फोर एक्स क्यूब प्लस और प्लस नहीं डॉट डॉट ई टू द पावर एक्स टू द पावर फोर, और एक्स टू द पावर फाइव का फाइव एक्स टू द पावर फोर डॉट ई टू द पावर एक्स टू द पावर फाइव, आंसर चेक करो। एक-एक टर्म एक-एक लेटर मैच करना। कोई कह दे इसका ग्राफ बना दो तो उसको कहना जहर ला दे भाई तू, पर नहीं बनाऊंगा। इसका ग्राफ बनाने का मतलब है कि एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ऐसे एक्स की वैल्यू मान रखो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, वो पॉइंट मार्क करो उस पर, और ये तो फिर भी आसान है, अभी सिर्फ भयानक भयानक बनेंगे। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के बारे में मत सोचो कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा फंक्शन दिखता होगा, इसका कर्व कैसा होगा, ये सोचना ही नहीं है, ये सोचने बैठे तो फिर इस चैप्टर से नफरत हो जाएगी। ओके चले आगे, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया, सिक्स्थ, सेवंथ इज रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, इससे ज्यादा तो बुरी शक्ल क्या ही बनाता वो फंक्शन की, ठीक है चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, सो टेल मी हाउ मेनी फंक्शंस कंपोजिशंस कैन यू सी हियर, बोलो साक्षी, तो वो दो कौन कौन से है? बोलो, एक तो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, दूसरा रूट, मुझे बताओ सबसे पहले एक्स को कौन सी मशीन में डाला होगा, एक्स इनपुट मुझे मिला होगा तो कौन सी मशीन में डाला होगा हमने, एक्सपोनेंशियल से पहले रूट एक्स नहीं है,
सबसे पहले तो हमको मार्केट से एक्स ही मिलता है, उसको रूट एक्स बनाने के लिए रूट वाली मशीन में डालेंगे, तो एक बार तो फंक्शन इधर ही लग गया। अब बदले में आंसर रूट एक्स, मैं बाजार से एक्स लाया था, वो रूट एक्स बन चुका है, बन चुका है। अब उस रूट एक्स को एक्सपोनेंशियल वाली मशीन में डाला तो आउटपुट में वो ई टू द पावर रूट एक्स बन चुका है। फिर ई टू द पावर रूट एक्स को वापस मैंने रूट की मशीन में डाल दिया तो रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। तो फंक्शन वैसे देखा जाए तो नामी फंक्शंस तो दो ही है, रूट वाला फंक्शन और ई बार, लेकिन वो रूट वाला फंक्शन दो बार लग रहा है, दो बार लग रहा है ना, एक बार तो एक्स पे लग रहा है, एक बार तो एक्स पे लग रहा है, और एक बार ई टू द पावर रूट एक्स पे लग रहा है। सो तीन फंक्शंस का कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। उसमें से सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है जो सबसे लास्ट में लगा, रूट लगना। आप रूट एक्स का डेरिवेटिव सोचो, आप पहले फंक्शन पहचानो, जैसे आपने फंक्शन पहचाना, सर मैंने फंक्शन पहचान लिया रूट, अंदर क्या रखूं, अंदर हमेशा एक्स रख के देखो, उसका डेरिवेटिव सोचो क्या होता है, क्या होता है, 1/2 √x, डायरेक्ट याद करना है। तो ऐसे याद रखो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √ समथिंग। तो रूट ऑफ इस पूरा तामझाम का फंक्शन डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √ ये पूरा तामझाम, ई टू द पावर रूट एक्स। अब चेन रूल से अंदर एंट्री मारो, इस रूट को भूल जाओ तो अंदर क्या दिखाई दिया, ई टू द पावर रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करना है, और ई टू द पावर एक्स का या रूट एक्स का या एनीथिंग का डेरिवेटिव वही होता है, ई टू द पावर दैट एनीथिंग। सो ये हो जाएगा 1/2 √ e^2 √x इनटू ई टू द पावर रूट एक्स, लेकिन अंदर रूट एक्स भी है। अगर अंदर एक्स होता तो मैं उसको बख्श देता, चल फ्री है तो, लेकिन एक्स के अलावा जो भी है उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको फिर से डेरिवेटिव वाले मशीन में डालना पड़ेगा। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो d/dx of √x अभी किया ही था हमने, क्या बनता है, 1/2 √x। तो मन जाएगा 1/2 √ e^2 √x × e^2, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ही लिख दो, इसके साथ ही वन को वन की जगह इसी को लिख दो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते रहा करो साथ ही साथ ही। तो e^2 √x हो गया, √x का डेरिवेटिव अभी अभी किया था हमने, क्या बनेगा, 1/2 √x। इसको सिंप्लीफाई करें सो क्या हो जाएगा, e^2 √x × 1 e^2 √x, 2 2 जा 4, √x को पहले लिख दो और √e^2 √x को बाद में लिखो। अब ये आंसर 100% नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक्स को अंदर डालने से पहले भी कुछ करना पड़ेगा, देखो इधर कैंसिल होगा। देखो मुझे बताओ, x/√x को सॉल्व करना बनता है, नहीं बनता है, क्या बनता है, ये रूट एक्स बनता है। तो ये भाई साहब को एक्स मानो तो वही भाई साहब अंदर बैठे हैं रूट के, बोलो। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर की ये भी खास बात है कि एक तो डिफरेंशिएशन मुश्किल, फिर आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना और ज्यादा मुश्किल। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब जितना कट सकता है उतना काटेंगे ना भाई, 2/√2 को काटोगे, नहीं काटोगे, क्या लिखोगे, √2। सो ये इसको 2 मान लो, इसको √2 मान लो, तो ये कट के क्या बनेगा, √e^2 √x। अब ऊपर भी रूट नीचे भी रूट तो होल रूट, ये ऊपर भी रूट नीचे भी रूट तो ये क्या हो गया हमारा, होल रूट हो गया। सो क्या हो जाएगा, 1/1/4 तो ठीक है, होल रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स और नीचे एक्स। भाई √a/√b क्या होता है, √a/b होता है, √a/b। तो ये ऊपर ये वाला रूट है, ऊपर ऊपर रूट में ये नंबर है, नीचे रूट में, अब ये तो कट चुका है एक्स से बस ओनली, तो ये √x कर देंगे और होल रूट लगा देंगे, ठीक है, समझ आया। ओके आंसर मैच करा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब ऊपर e^2 √x ही रखा है उसने, ओके तो उसने काटा नहीं है मतलब, ठीक है चले नेक्स्ट। ओके सो बातों बातों में 7 तो हो गए, अब कितने बचते हैं, 3 हो रहे हैं। log(x), अच्छा ये वैल्यूज जैसे कि मैंने कहा कि आपको ज्यादा नहीं सोचना इनके बारे में, ये इनको डिफाइन करने के लिए है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी तो रूट डिफाइन होगा, ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये वैल्यूज रखी जाती है। अब देखो जैसे लॉग एक्स में एक्स की वैल्यू क्या रहती है मुझे बताओ, अरे मैं डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, साइन एक्स हमेशा कोस एक्स नहीं होता, लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/x। मैं कह रहा हूं लॉग एक्स में एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, मतलब मैं लॉग एक्स की डोमेन पूछ रहा हूं आपसे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर पे लगता है, आज ही तो पढ़ा है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी
अब सुनना ध्यान से, यहां पे एक्स ग्रेटर देन वन क्यों दे रखा है, बहुत ही खास इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सर। लॉग अगर एक्स है तो ये जीरो देता ना, क्योंकि आपने तो ये सिखाया है कि लॉग एक्स में एक्स की डोमेन जो होती है ग्रेटर देन जीरो होती है, उसको वन से बड़ी लेने की क्या जरूरत है, वो जीरो से बड़ी ले ले। उसने कुछ नंबर और क्यों हटा दिए भाई, जीरो से बड़े लेने पे और वन से बड़े लेने में कुछ और नंबर हट गए, तो ऐसा उसने क्यों किया, वो जीरो से बड़ी ले सकता था। तो अगर वो जीरो से बड़ी ले लेता तो फिर वो 0.5 भी ले लेता, ले लेता। अब सुनो इधर ध्यान से सुनो, लॉग जब वन, लॉग वन क्या होता है बताओ, जीरो। तो जैसे लॉग पॉजिटिव होता जाता है, वन के बाद टू हो गया, थ्री हो गया, तो ये नंबर पॉजिटिव से बढ़ता जाता है। लेकिन लॉग जीरो तो हो ही नहीं सकता, लॉग जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, तो वन और जीरो के बीच के जो नंबर होते हैं जैसे 0.5, 0.25, उसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। होती है, हमने ग्राफ क्या पढ़ा है, इधर देखो इस पॉइंट पे तो जीरो होती है वैल्यू, वन पे तो क्या होती है, जीरो होती है, 1.0 मिलता है ना हमको, वन पे तो जीरो होती है। जीरो तो हो ही नहीं सकती, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती, एक्स की वैल्यू वन पे, वाई की वैल्यू जीरो है, इनके बीच के जो नंबर है, ये वाला जो गैप है, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं है, x एक्सिस से नीचे है ना ग्राफ, इसमें x एक्सिस से ऊपर है, यानी कि log 1 पे 0 है, log 0 तो होता ही नहीं है, और log 0 और log 1 के बीच के जो नंबर है उसमें आंसर नेगेटिव आना तय है। तो अगर मैं यहाँ पे log 0.5 लगाऊं तो इसका आंसर कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फिर बाहर वाला log नेगेटिव वैल्यू पे कैसे लगेगा, बाहर वाले log के बारे में भी तो सोचना है, बाहर वाला log भी तो पॉजिटिव वैल्यू पे लगाना है, यानी कि कुछ भी करो इस लॉग के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव बनाओ, और ये वैल्यू पॉजिटिव तभी बनेगी जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी, क्योंकि वन के बाद उसका ग्राफ ऊपर है। तो सब कुछ सेट करने के हिसाब से इसने लॉग जीरो ना लेके लॉग, ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी ना लेके एक्स की वैल्यू वन से बड़ी ली। अगर ये अकेला होता ना तब तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती और सफिशियंट होती, ठीक है, लेकिन अब ये लॉग पे लॉग दो बार लग गया, तो अब आप एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच की वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि उससे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो लॉग नेगेटिव पे, अब बार वाला लॉग नेगेटिव पे नहीं लग पाएगा। सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो अब बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन की। इसका डिफ्रेंसिएशन तो काफी आसान है, वैसे कर भी लिया होगा आपने, ओरली भी हो सकता है, दो बार लॉग लगाना कौन सी बड़ी बात है। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स। पहले तो बाहर वाले लॉग पे लगाओ, ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, तो वो समथिंग क्या है अभी, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/log x। चेन रूल से इसको भूल के अंदर वाले फंक्शन पे आओ, तो डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर वाला लॉग एक्स, अंदर वाले लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सो 1/log x इंटू 1/x, ठीक है, तो 1/log x² कर दूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स लॉग एक्स लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एक्स को एक्स से बढ़ाना है तो आप x^x कर सकते हो, अभी सिखाया था ना पावर नीचे उतर जाती है तो वापस भी तो चढ़ सकती है। बोलो, अगर log p टू द पावर b है, इसको मैं b log p लिख सकता हूं, तो b को वापस भी तो पावर पे चढ़ा सकता हूँ, उतार सकता हूँ तो चढ़ा भी सकता हूँ, तो ये x यहाँ पे रखा हुआ है तो ये वापस पस पे चढ़ भी सकता है, तो एक्स लॉग एक्स लिखो, वैसे ज्यादा सही वो है, बट इफ यू वांट तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एक्स लॉग एक्स यानी x.log x, एक्स इंटू लॉग एक्स आंसर। ओके चलते हैं 9th वन, cos x बाय लॉग एक्स, तो u बाय v लगेंगे, अब अपन इस बार u अलग v अलग मानने वाला फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, ऑन द गो सॉल्व करेंगे। कैसे ऑन द गो सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट ऑन द गो, ऑन द गो मतलब फॉर्मेलिटी वक्त ना लिखो, डिफरेंशिएशन करते जाओ, डी वाई बाई डी एक्स मतलब कॉस एक्स का पहले डेरिवेटिव करना है मुझे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करना है, उसके साथ में मुझे इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो ये होता है ऑन द गो सॉल्व करना, यू अलग वी अलग ना लेना, ऑन द यू अलग वी अलग लेना वैसे 11th में खत्म हो चुका है, अभी आपको ऑन द गो सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब ये गलती मत करना कि सर साइन एक्स का होल स्क्वायर आप लिखवाते थे, क्या लिखवाते थे, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप लिखवाते थे तो log x का होल स्क्वायर log² x लिखते हैं, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है log² x,
उसको लॉग एक्स का होल स्क्वायर ही फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, वो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अलाउड है। ओके चलो बढ़ते आगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो कॉस एक्स बाई एक्स हो जाएगा ये होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर अगर इसको सॉल्व करूं, एक्स एलसीएम ले लूं, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स एलसीएम लेके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो, देखो चेक करो, माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी लोगे तो इतनी सी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके मार्क्स नहीं कटते। ओके चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो पहले दो फंक्शंस हैं, उनका अलजेब्रा है, और जो आउटपुट है उस पर फिर वापस कॉस है। तो कंपोजिशन के हिसाब से तो दो ही फंक्शन है, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है वो दो फंक्शन का अलजेब्रा, ठीक है ना। तो ऐसी सारी ये इस मतलब इसकी परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे बाहरी फंक्शन क्या है बोलो, सबसे लास्ट फंक्शन क्या है, कॉस। तो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है ये पूरा लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, समथिंग तो ये पूरा है ना, इनटू चेन रूल से अंदर एंट्री मारो, तो इस कॉस को भूल के जो अंदर बचा है उसका डेरिवेटिव चाहिए लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये एक्स टू द पावर एक्स ग्रेटर देन 0 100% लॉग एक्स के चक्कर में लगाया इसने, क्योंकि लॉग जो है जीरो से छोटे नंबर पे है, जीरो पे नहीं लगता। आगे बढ़ो, सो इट इज लाइक माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो मैं करूंगा, पहले तो आप ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये जो भी आंसर आएगा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम पता है क्या करेंगे, लॉग एक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो एक ब्रैकेट लगाओ। चेन रूल क्या कहता है, इस पूरे को इससे प्रोडक्ट करो, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अब अलजेब्रा लगाओ, तो इसका अलग अलग करके प्लस कर दो, वन बाई एक्स और ई टू द पावर एक्स का, वो ई टू द पावर एक्स। अब पहले इसको अलग से सॉल्व करो, फिर प्रोडक्ट करो, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इन टू, इसको अलग से सॉल्व करो तो एक्स एलसीएम आ गया, वन प्लस एक्स को उधर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स। अब मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स डिनोमिनेटर बन जाएगा, और दिस एक्सप्रेशन इन टू दिस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डॉट, ये ब्रैकेट में लिखो, वन प्लस एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। चेक करो इस फॉर्म में क्या आंसर, इसी फॉर्म में है। तो अभी इनिशियल एक्सरसाइज में उसने ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, आगे करेगा, तो हम अभी से आदत डाल दें, ठीक है। आगे तो वो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतनी उसी को आंसर मानेगा, अभी वो ज्यादा लोड इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी वैसे थोड़ा बहुत लोड स्टार्ट हो गया है, इसलिए तो हम तो अभी से पूरा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज योर फाइनल एक्सरसाइज। ओके अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो किया ये सारा टॉपिक, फिर ये अगला टॉपिक वापस क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब 1/x नहीं है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन नहीं है ये, आपको लगे कि log x का डिफरेंशिएशन करना है वो तो कर दिया ना, इसका मतलब है किसी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है log की मदद से, log का डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम तो 1/x होता है, log का ही डिफरेंशिएशन करती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी मदद लेके किसी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कल की क्लास। ओके चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड